वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान और उच्च शिक्षा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग से किया है। हिंदी और होगबोरोक लोक कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। त्रिपुरा की लोक कथाएं, होगबोरोक की प्रतिनिधि कविताएं, साइजा बोरो फोकलोर, त्रिपुरा के गौरीय लोकगीत, मैपिंग दी जमातियाज, त्रिपुरा के जनजातीय लोकगीत एवं पहाड़ की गोद में ई बुक सहित अब तक 7 पुस्तकें, 2 कोश और अनेक आलेख आपकी प्रकाशित है। 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में आपकी भागीदारी और त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स फोरम, होगबोरोक साहित्य संसद एवं इंटरनेशनल बोरोक फोरम समेत सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर की अनेक समितियों की आप सदस्य है। आपकी अनुवाद, लोक साहित्य, आदिवासी साहित्य एवं विमर्श में विशेष रुचि है। आपने वर्ष 2004 से 2006 तक महाराजा वीर विक्रम कॉलेज अगरतला में अध्यापन किया है। आप फिलहाल हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला में अध्यापन कर रही है। आपसे अनुरोध है कि दूसरे सत्र की अध्यक्षता संभालते हुए इसे शुरू करें। धन्यवाद यशोधरा जी। सबसे पहले तो डिमोरिया महाविद्यालय के प्रिंसिपल एवं राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर विमान भट्ट सर, कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर यशोधरा जी और आयोजन समिति के सभी सम्माननीय सदस्य गण का मैं आभारी हूं और आप सबकी सहमति से ऑनलाइन जुड़े हुए सभी शोधार्थी, शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मैं सत्र की शुरुआत करना चाहती हूं। और सत्र शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार के द्वितीय तकनीकी सत्र में 10 पेपर प्रेजेंटर्स रहेंगे। सभी को 5-5 मिनट दिए गए हैं। सबका विषय बहुत ही रोचक है। तो आइए हम प्रपत्र प्रस्तोताओं के माध्यम से पूर्वोत्तर के समाज और संस्कृति को जानें और इस क्रम में मैं क्रमवार, जैसा कि मुझे शेड्यूल दिया गया है, उसी के अनुसार मैं सभी पेपर प्रेजेंटर से निवेदन करते हुए कि अपनी बात को जितना समय दिया गया है उन्हीं समयों में अपनी बात को, विचार को समेटें। और साथ ही यशोधरा जी से मैं निवेदन करूंगी कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा या कोई सवाल उत्पन्न होते हैं तो वे चैट बॉक्स में लिखें और यशोधरा जी उन सवालों को एकत्रित करती रहेंगी। तो आइए आप सबकी परमिशन से मैम आपका म्यूट हो गया है। पहला प्रेजेंटर्स है हमारे सामने काहिरा जहान। काहिरा है या काशिरा, मुझे यहाँ पर काहिरा दिख रहा है लेकिन शेड्यूल में काशिरा लिखा हुआ है। उनका विषय है बठेली लोकोत्सव। तो मैं काहिरा जी से आग्रह करूंगी कि अपनी बात विषय पर केंद्रित होते हुए शुरू करें। काहिरा जी आप प्रेजेंट हैं? जी मैम, जी मैम। हाँ जी। मेरा नाम काशिरा है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। डिमोरिया महाविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विमान भट्ट सर, आज के सत्र के स्रोत विद्वान आदरणीय डॉक्टर मिलन रानी जमातिया मैम, यहाँ उपस्थित सभी विद्वानगण तथा मेरे प्रतिभागी, मेरे शोध पत्र का विषय है भतेली लोकोत्सव। वैसे तो उत्तर कामरूप की ओर भतेली लोकोत्सव बहुत ही जनप्रिय लोकोत्सव है,
लेकिन मैंने अपने शोध पत्र में गुवाहाटी के निकटवर्ती हाजू नामक जो स्थान है जिसे पंचतीर्थ भी कहा जाता है, हाजू से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रामदिया। वहां जो भौतली लोकोत्सव का पालन किया जाता है, मैं उस पर अपने पेपर में उसी वहां के भौतली लोकोत्सव पर मैंने प्रकाश डाला है। यह गांव भले ही छोटा है, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यह गांव लोक संस्कृति की दृष्टि से या दिशा में काफी समृद्धशाली है। उत्तर कामरूप में के विभिन्न जगहों पर भतेली उत्सव का पालन किया जाता है, लेकिन उत्तर कामरूप के भतेली उत्सव में और रामदिया के भतेली उत्सव में काफी अंतर पाया जाता है। उत्तर कामरूप में विभिन्न जगहों पर जिन भतेली उत्सव का पालन किया जाता है उसमें वास्तव में दो बांसों का प्रयोग किया जाता है। एक लंबे आकार का बांस लिया जाता है और एक छोटे आकार का बांस लिया जाता है, और दोनों बांसों को बहुत ही वर और वधु के रूप में सजाया जाता है। वो जो वर है उसे शिव का प्रतीक माना जाता है, और वो लोकोत्सव और वर वधु को बिछा कर वहां पे पूजा अर्चना की जाती है। वो बांस के वर वधु जिसको वर को शिव का प्रतीक माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पारा या पावरा बोलते हैं। यही मूल पार्थक्य है उत्तर कामरूप के भतेली लोकोत्सव में और रामदिया के भतेली लोकोत्सव में। रामदिया में पालन किए जाने वाले भतेली लोकोत्सव में इस प्रकार की पारा या पावरा की व्यवस्था नहीं होती है। असल में 16वीं सदी में कहा जाता है, जनश्रुति है या कई मैंने ग्रंथ सूची में लिखा है, उल्लेख किया है, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी से इस भतेली लोकोत्सव का पालन रामदिया में किया जाता आ रहा है। इसका वास्तविक इस भतेली लोकोत्सव के पालन करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि श्रीमंत माधव देव वहां पे कुछ समय के लिए, 6 महीने के समय के लिए वहां उनको रहना पड़ा था, और उस अवधि के पश्चात 6 महीने के पश्चात जब वहां से वो चले आए थे तो उनकी स्मृति के स्वरूप वहां के लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने ये भतेली लोकोत्सव का पालन करना प्रारंभ किया था। और तब से लेकर, यानी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भतेली लोकोत्सव का पालन करते चले आ रहे हैं। 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में माधव देव जो है उनका रामदिया नामक छोटे से गांव में आना हुआ। उससे पहले वो बोरपिता में थे और वहां रहकर वो नौ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस समय नौ वैष्णव धर्म के जो विरोधी थे वो उन्होंने माधव देव के खिलाफ राजा के कान भरे और दंड स्वरूप उस वहां के राजा जो थे रघुदेव, उन्होंने दंड स्वरूप माधव देव को रामदिया हाजो के समीप रामदिया आने का आदेश दिया, और राजा के आदेश का पालन करते हुए माधव देव रामदिया चले आए। और वहां रहकर उन्होंने कई सारे वर्गीतों की रचना की, कई सारे घोषा की रचना की, और नित्य नाटिकाओं का मंचन भी वहां पे रहने के दौरान उन्होंने किया। असल उसके बाद 6 महीने की समय के पश्चात उनको पुनः आदेश दिया गया कि वो वहां से बिहार, जो कि आजकल कोच बिहार के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर उन्हें रहना है। तो उस समय जिस दिन वो वहां से विदा ले रहे थे, उस समय उन जो स्थानीय लोग थे सभी जो है वाद्य यंत्रों के साथ बहुत भीड़ लगी थी स्थानीय लोगों की। सभी लोग उनके चले जाने का गम मना रहे थे, उनको वाद्य यंत्रों के साथ और बड़ी धूमधाम से उनको विदा कर रहे थे। जिस स्थान पे उनको विदा किया गया था उसी स्थान पर वो भतेली लोकोत्सव मनाया जाता है आज।
और उस दिन से उनके वहां से चले जाने के बाद से ही ये उत्सव वहां के लोगों ने मनाना शुरू किया था। असल में उस दिन ये भतेली लोकोत्सव जो है, रामदिया का भतेली लोकोत्सव, ये 3 दिवसीय लोकोत्सव है। ये बैसाख की 5 तारीख से शुरू होता है, 6 और 7 यानी 3 दिन तक रहता है। और इन 3 दिनों में सबसे पहले दिन जो है वो सत्रों में नाम प्रसंग इत्यादि करना प्रारंभ किया जाता है। द्वितीय दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन जो धूलापारा, वहां का एक जगह का नाम है धूलापारा, की जितने भी सत्र हैं वो बाला यानी रामदिया, यानी उस जगह जहाँ से माधव देव को विदा किया गया था, उस जगह लाया जाता है। पहले इन सत्रों की संख्या 10 थी, उसके बाद 12 हुई, और वर्तमान समय में इन सत्रों की संख्या 15 है। और अब कुल 15 सत्र धूलापारा से बाला तक लेकर आया जाता है। इन सत्रों में जो सत्र लाए जाते हैं उनके नाम में पढ़ देती हूँ। धूला सत्र है प्रमुख, बोगोरीबारी सत्र है, सिसुर सत्र है, राम लक्ष्मण सत्र है, वासुदेव सत्र है, विष्णुपुर सत्र है, नर नारायण सत्र है, लेंका गोपीनाथ सत्र है, हाथभोंगा सत्र है, मेघ नारायण सत्र है, वासुदेव बाली सत्र, लाडवा गोपाल सत्र, बंसी गोपाल सत्र और चैतन्य सत्र। भतेली लोकोत्सव के जो 2 दिन है यानी 6 बैसाख और 7 बैसाख के दिन वहां एक मेला का भी आयोजन किया जाता है। वो मेला वहां के स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो लघु व्यवसाय करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने निर्मित वस्तुओं को उस मेले में लाकर बेचते हैं, उनसे उनका उपार्जन होता है। वो मेला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस मेले में कुछ मृत प्राय शिल्प को भी देखा गया है, जैसे कि कुमार शिल्प हो या कमार शिल्प हो या वस्त्र शिल्प जो लघु इकाइयों में की जाती है, उसके बाद कांस पीतल के जो शिल्प हैं इत्यादि वहां देखने को मिलती है। वो मेला जो है न केवल वहां के स्थानीय लोगों के लिए महत्व रखता है, बल्कि वहां निकटवर्ती जितने भी लोग हैं या जितने भी गांव हैं वहां के लोग भी उस मेले में भाग लेते हैं। और न केवल मेला बल्कि वो जो भतेली उत्सव है जहां सत्र लाए जाते हैं, वो उस दिन भी काफी लोगों की भीड़ लगी होती है। न केवल वहां के लोग, वहां के सारे स्थानीय लोग उस सत्र में भाग लेते हैं, बल्कि वहां के निकटवर्ती लोग जितने भी हैं वो लोग भी उस सत्र में आकर, उस पूरे प्रक्रिया में आकर अपना योगदान देते हैं। ऐसी परंपरा है कि जिस दिन इस लोकोत्सव के पहले दिन जब मतलब नाम प्रसंग वगैरह शुरू किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो वहां की एक परंपरा रही है कि हर घर से तेल लाकर वहां दिया जलाया जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही विरल नियम कहा या प्रथा कहा जा सकता है। और ये लोकोत्सव जो है सचमुच ये मात्र लोकोत्सव नहीं है, बल्कि समन्वय का हम प्रतीक भी कह सकते हैं। वहां के लोगों में कोई भी धर्म, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वहां के लोगों में एक प्रकार का भातृत्व बोध की सृष्टि ये लोकोत्सव करता है। 5 मिनट में असल में बहुत कुछ कहना बहुत असंभव सी बात है, लेकिन मैंने अपने शोध पत्र में बहुत बातें लिखी थी और बहुत कहना भी चाहती हूँ, लेकिन समय के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इसी के साथ मैं अपना पत्र समाप्त करती हूँ। धन्यवाद काहिरा जी। धन्यवाद काहिरा जी ने असम के बहुत ही खूबसूरत लोकोत्सव जिसे 3 दिन मनाया जाता है भतेली उत्सव पर अपनी सुंदर प्रस्तुति दी है, और मेरे लिए तो यह नई जानकारी रही है। और यही इस वेबिनार की खासियत भी है कि पूर्वोत्तर भारत की नई नई जानकारी, नई नई संस्कृति और परंपरा, उनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। काहिरा जी आपका बहुत बहुत आभार।
अब मैं दूसरे पेपर प्रेजेंटर को बुलाना चाहूंगी जिनका नाम है सोनू वर्मा। सोनू वर्मा जी आप प्रेजेंट हैं? सोनू वर्मा जी आप प्रेजेंट हैं? हाँ मैम। हाँ जी, आपका विषय है पूर्वोत्तर भारत की किंवदंतियां वास्तविकता। आपका टाइम शुरू होता है और आपको सुनने के लिए सारे लोग उत्सुक बैठे हुए हैं। नमस्कार सभी को, आज के वेबिनार में उपस्थित सभी जनों को नमस्कार। मैं सोमू वर्मा, स्नातक उत्तर द्वितीय छमाही कॉटन विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज का शोध पत्र का मेरा विषय है पूर्वोत्तर भारत की किंवदंतियां और वास्तविकता। किंवदंतियां भारतीय साहित्य की एक पारंपरिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गई है। किंवदंतियां किसी एक लेखक या लेखक समूह के मन की उपज होती है, परंतु इसकी रचना एक विशेष सामाजिक संदर्भ में की जाती है। इस अर्थ में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को यथार्थ के प्रतिबिंब होता है। अब मैं समय कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट विषय पर आना चाहता हूँ। भारत, पूर्वोत्तर भारत में हमें 8 राज्य है, तो इन 8 राज्यों को मिलाकर हम, जिसमें सभी की विविधता विभिन्न प्रकार की है, इसी कारण इन्हें इंद्रधनुष भी कहा जा सकता है। और ये किंवदंतियों के मामले में भी ये भरपूर खजाना है। तो मेरा पहला है कामाख्या मंदिर की किंवदंती। जो कामाख्या मंदिर है मैम, वो भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती की कहानी पर निर्भर है। देवी जो सती थी, उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ आरंभ किया था जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री और शिव को आमंत्रित नहीं किया, जिसके कारण सती क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पिता से बात करना चाहा, परंतु पिता ने बात करने के बाद भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया, जिसकी वजह से वे क्रोधित हुई और उस यज्ञ के पवित्र अग्नि में खुद को डाल दिया। तो शिव इस सती की मृत्यु से शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर लादकर तांडव करने लगे थे, जिससे जो संसार को विनाश की ओर ले जाने लगा। तो इस संसार को विनाश से मुक्त करने के लिए विष्णु ने सती के शरीर को 108 भागों में बांट दिया, जो आज, और सती का शरीर के जो भाग भारत के विभिन्न शहरों में गिरे वो आज सती पीठ के नाम से जाने जाते हैं। जो सती का प्रजनन अंग है वो जो कामाख्या मंदिर आज स्थित है गुवाहाटी में, वहां गिरा। तो यहाँ की मान्यता यह बन गई है कि महिलाएं जो गर्भ धारण ना कर सके वो कामाख्या मंदिर जाए तो वहां उन्हें गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। इसी कारण साल में जून के महीने में यहाँ एक कामाख्या देवी के मासिक चक्र के रूप में यहाँ उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पुजारी मंदिर में सफेद कपड़ा बिछा देते हैं जो लाल हो जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मैम दूसरी किंवदंती है नागालैंड राज्य से, जहाँ पे नागा समाज में ये मान्यता है कि मनुष्य, आत्मा और बाघ, ये तीनों एक समय में भाई हुआ करते थे और उनकी माता का देहांत होने के बाद उनमें एक झड़प हुई कि उनकी लौकिक संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित किया जिसमें मनुष्य ने छल द्वारा बाघ को हरा दिया। तो बाघ को मैम जंगल जाना पड़ा, परंतु जो आत्मा है वो मनुष्य से क्रोधित होकर उसे श्राप देती है कि वो मनुष्य कभी भी अपनी आत्मा को देख नहीं पाएगा। और इस विषय में वहां लोगों का यह मानना है कि यह वहां अपने भाई को याद करने लगा था और उसे खुश करने के लिए अपनी परंपरा के साथ अनुष्ठान करते हैं वहां के लोग, और यह समारोह नियत समय में नागा संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। मैम तीसरी किंवदंती है पारंपरिक कहानियों की शुरुआत, यह मेघालय की खासी जनजाति, चाहे पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातियों में ये प्रचलित है। कहा जाता है कि खासी जनजाति में एक मनुष्य को भगवान द्वारा एक दस्तावेज प्राप्त हुआ था जिसमें धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न बातें लिखी हुई थी, परंतु उस मनुष्य ने उस दस्तावेज को खो दिया और अपने परिवार के लोगों से, परिवार के लोगों के डर से उसने उस वो
दस्तावेज को खोने के कारण उसने अपनी मन धड़ंग कहानियां सुनानी आरंभ कर दी और यही आगे परंपरा बढ़ती गई और खासी जनजाति में कहानी सुनाने की परंपरा आज भी है जो पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फैलती गई है। मैम चौथी किंवदंती है माउंट कंचनजंगा और लेपचा। मैम सिक्किम राज्य में लोगों का यह मानना है कि लेपचा लोग ही संसार में सबसे पहले आए थे और एडम और ईव जिनका जन्म जिनकी सृष्टि कंचनजंगा के बर्फ से भगवान ने ही उन्हें गढ़ा था और उन्हें समाज में मानव सभ्यता को फैलाने के लिए एक मानव सभ्यता को समतुल्य बनाने के लिए यूटोपियन भूमि पर भेज दिया था। और कंचनजंगा की एक मान्यता भी है कि लेपचा लोग उस स्थान पे ही रहते हैं जहां वो कंचनजंगा पर्वत की छाया पड़े, उसके अलावा वे कहीं नहीं रह सकते हैं। मैम मैम पांचवी किंवदंती है नौकालिकाई की छलांग। या मैम पूर्वोत्तर भारत तो प्रकृति का एक सौंदर्य पूर्ण इलाका है। यह किंवदंती मानी जाती है कि लिकाई नाम की एक औरत गरीब औरत थी जिसने अपने जिसकी स्वामी की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री को अपनी पुत्री को पिता का नाम देने के लिए उसने दूसरा विवाह किया, परंतु उसके दूसरे पति ने उसकी पुत्री और माँ का स्नेह को देखकर वो ईर्ष्या करता था जिसके कारण उसने उसकी पुत्री को मारकर उसे भोजन के रूप में उसकी माँ को ही प्रस्तुत कर दिया। और उसकी माँ को जब यह पता चला कि उसकी पुत्री को ही उसने भोजन में खाने को दिया है तो वह पागल अपनी पुत्री के शोक में व्याकुल होकर पागल हो गई और उसने सामने के ही एक झील से छलांग लगा दी जो आज के समय में नौकालिकाई की छलांग मानी जाती है, जिसमें स्थानीय खासी भाषा में नौ का अर्थ होता है छलांग लगाना और लिकाई उस स्त्री का नाम था। मैम मैम छठी किंवदंती है जो त्रिपुरा राज्य से है। त्रिपुरा राज्य में ऊना कोठी पहाड़ियां है, वहां पे 99,99,999 शिव की प्रतिमाएं हैं। इससे संबंधित किंवदंती यह है कि यहाँ लोगों का मानना है कि शिव और पार्वती को खुश करने के लिए एक मूर्तिकार ने पार्वती के लिए कैलाश पर्वत पर एक निवास स्थान बनाना चाहा था, परंतु शिव उससे सहमत नहीं हुए जिससे पार्वती ने उन्हें उपदेश दिया कि वे शिव के 1 करोड़ मूर्तियां बनाए, परंतु वह अपने काम में सफल नहीं हो पाया और उसने 1 मूर्ति कम बनाई। इसी कारण वह स्थान करोड़ों में एक कम के नाम से भी जाना जाता है। मैम और अंतिम किंवदंती है मैम माया मयंग काला जादू की भूमि जो असम में है। असम राज्य का मयंग शहर जो है मैम वे जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है जिसे भारत में काला जादू की भूमि भी कह सकते हैं। यहाँ की कहावत है कि मनुष्य का हवा में गायब हो जाना, जानवर का रूप ले लेना और समय समय पर रोगों का इलाज करना। मयंग में काला जादू की शुरुआत कैसे हुई इसका प्रमाण तो नहीं मिलता है, परंतु कहा जाता है कि अहोम जनजाति में प्राचीन काल में मनुष्य को त्याग करने की एक परंपरा थी, इसी कारण वहां पे काला जादू का आरंभ हुआ और यह आगे बढ़ता गया जो अभी बहुत कम हो गया है। मैम तो मैम समय कम होने के कारण मैं अपनी बातों को इतना में ही समाप्त करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि ये भारत की पूर्वोत्तर भारत की श्रेष्ठतम किंवदंतियां आप सभी को निश्चय ही आप सभी पाठकों को दिलचस्प लगेगी पढ़ने पर और जिससे पूर्वोत्तर के दर्शन में आप सभी को भी मदद मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सोनू वर्मा जी, आपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से देवी कामाख्या मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों से अपनी बात शुरू की और बात को आगे बढ़ाते हुए खासी नागा लेपचा और कंचनजंगा नौखाली का छलांग और त्रिपुरा असम का मयंग शहर से जुड़ी हुई रोचक कहानी और कथाओं से हम सबका परिचय करवाया, इस हेतु तो आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं तीसरे पेपर प्रेजेंटर्स धरित्री देवी, धरित्री जी आप प्रेजेंट हैं? धरित्री
धरित्री जी हाँ मैम आप हाँ जुड़ी हुई हैं, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और अपने विषय पर बात रखिए। धरित्री जी मैम हाँ आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, कैमरा ऑन कीजिए और माइक भी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम हाँ धरित्री जी अब अपना कैमरा ऑन कीजिए। हेलो मैम हाँ जी आपकी आवाज सब तक पहुंच रही है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए जी। हाँ हाँ मैम कैमरा ऑन किया हूँ मैं दोबारा। ओके हाँ जी जी अब अपने विषय पर बात रखिए। हाँ मैम नमस्कार, मेरी नाम श्री धरित्री देवी है और मेरा विषय है असमिया लोक कलाएं और संस्कृति के दर्शन। असमिया जो लोक कलाएं और संस्कृति प्राचीन काल से ही बहुत संबंध है और मानव सभ्यता के साथ साथ और प्राचीन लोक कला और शिल्प धातु वस्त्र और मिल शिल्प जो मिट्टी से बनाई जाती है वो प्राचीनता से अब तक वर्तमान समाज में ही उसका चित्रण देखी जाती है। सर्वप्रथम मैं मृत कला के जाऊंगी। मृत कला असम के लिए एक प्राचीन कला है और उसमें से माना जाता है कि हिंदू जो दो हिंदू धर्म की जो दो जातियां थे कुम्हार और एक थे हीरा जाति थे, उन जातियों दोनों जातियों ने वो मिट्टी की बर्तन बनाए थी सबसे पहले। और वो मिट्टी के बर्तन से और बर्तन ही नहीं देव देवता की मूर्ति और पूजा पात्र विवाह में वो शुभ कार्य में वो व्यवहार की जाती थी। और प्राचीन जब समय थे असम में वो मृतकला नहीं थी। जब असम में जो नारायण स्वर्ग नारायण राजा थी वो राजा ने उस बिहार में कुछ मंगोलियन लोगों को भेजा था और उन लोगों से असम में वो मृत कला की संस्कृति आई। उसके बाद आता है वस्त्र शिल्प। वस्त्र शिल्प असम के लिए एक मुख्य विषय है और वस्त्र शिल्प के लिए हमारे असम में मुगा एरी और पाट मुगा बहुत प्रसिद्ध है। और मुगा जो होती है मुगा में जो असम के लोक साहित्य है बिहू कहे जाते हैं मुख्य त्योहार, उसमें जो पहनाई जाती है महिला और पुरुष दोनों को पहनकर उसे नृत्य प्रदर्शन करती है और उसके लिए बहुत प्रसिद्ध। और एरीपात है जो असमिया लोक संस्कृति के लिए मुगा की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें सफेद रंग की होती है और बहुत रंग की होती है, लेकिन जब हिंदू धर्म में विवाह होती है तब दूल्हे और दुल्हन उन दोनों दूल्हे दुल्हन को वो सफेद पाट के कपड़े पहनाई जाती है और उसमें मान्यता है कि ये दोनों जब सफेद रंग की कपड़े पहने तो पवित्रता का भाव उसमें दिखाई जाती है। और उसमें एरी ये तीसरी है एरी पाट, वो एरी वो थान के दिन में व्यवहार की जाती है और जिसमें असम में भी वो उपलब्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरे टॉपिक है मेरे पॉइंट है बांस के बनाई गई वो चीज। जैसे सबसे पहले असम में मान्यता है कि जो बांस की प्राचीन परंपरा जो भास्कर वर्मन थे जो प्राचीन के राजा थे वो भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन को बांस की कुछ चीजें भेजी थी अपने असम की कुछ चिन्ह प्रतीक के रूप में, जैसे मोती बांस की टोकरी भेजी थी और इसमें पिंजरे भेजी थी जो बांस की पिंजरे पंक्षी भेजे थे और असम की प्रतीक के रूप में उसे माना जाता है। और इसमें
होती है बांस की, बहुत सारे वस्तु बनाई जाती है बांस की अब भी, जैसे मेला में देखी जाती है, जो प्राचीन मेला है अब भी बांस की चीजें उसमें देखी जाती है, उसे प्रदर्शनी होती है और प्रदर्शन होती है उसमें, और उसमें अनेक जो जिले के राज्य के है उसमें खरीद कर ले जाते हैं अब भी। और तीसरे है धातु शिल्प, धातु शिल्प में असम बहुत प्रसिद्ध है धातु के लिए, धातु में पीतल तांब सोना चांदी वो पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण है। पीतल हमारे हाजू असम के हाजू जिले में बनाई जाती है वो पीतल, और का शिल्प है और जो हमारी सर्थेबारी में बनाई जाती है असम के, वो बहुत प्रसिद्ध है। और धातु ये तीन और धातु मिश्रित करके कुछ गहने और गहने बनाई जाती है, और हाथ में पहनाई पहनाई जो चीज़ होती है वो बनाई जाती है, और कानों में जो कुंडली वो भी बनाई जाती है इसमें। और लास्ट है हमारा शिल्प चित्रकला, असम के लिए चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण है, और चित्रकला हमें असम के बहुत जगह में मंदिरों में और सब में उसमें प्राचीन कला जो सिन्ह प्राचीन अनुभव थे जो चित्रकारों की शिल्पकारों की, उसको प्राचीन कलाओं को रूप में वो मानी जाती है। और जिसमें हम ह्यूएन सांग थी, ह्यूएन सांग के जो असम के ऊपर एक टॉपिक लिखे थे टिप्पणी, उसमें असम की जो चित्रकला है उसके बारे में उसके टिप्पणी में हम देखा जाते हैं। और हर्षचरित में जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उसमें हर्षचरित में भी असम की जो चित्रकला की वर्णन है उसमें दिया गया है प्राचीन रूप से ही। और चित्रकला को हम अब असम असमिया संस्कृति में चित्रकला महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की चित्रकला देखी जाती है, गीत गोविंद भागवत रामायण महाभारत इसमें हमारे असम की चित्रकला देखी जाती है। और असम की और जो और चित्रकला में हम देखी जाती है कि उसमें चित्र की जो प्राचीन पत्थर थे उस पत्थरों में भी वो बनाई जाती थी, जो लोग शिल्पकार से पहले जो उपकरण नहीं मिलती थी तो प्राचीन जो शिल्पकार थे अपने पत्थर में या मंदिर के देवालय में उसको शिल्प के जरिए अपने अनुभवों को उस समय की जो स्थिति थी स्थिति को वर्णन करने के लिए वो लोग व्यवहार करते थे। और अब भी हम मंदिर या जो भी जहाँ भी जाते हैं उसके परिस्थिति के अनुसार हम वो मान लेते हैं कि उस समय की उस स्थिति में उस चित्र को बहुत महत्व था और आज भी वो की महत्व है। और निष्कर्ष में जाना चाहती हूँ कि हमारा असम के जो असमिया साहित्य के कलागुरु विष्णु प्रखर राभा थे वो बहुत कला लोक संस्कृति और लोक कला में बहुत ध्यान देते थे, इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसको कलागुरु नाम दिया था। और उन्होंने शंकरदेव की चित्र बहुत अच्छी तरह से बनाई थी सबसे पहले, और इसमें हमें असमिया जीवन की जो दर्शन मिलते हैं उत्कृष्ट दर्शन मिलते हैं उसमें हम पाए जाते हैं। और असमिया के जो असमिया संस्कृति है उसमें हर तरह की शिल्प धातु हस्तशिल्प और धातु शिल्प इसमें महत्व रहा और आगे भी महत्व रहेगी। मैम इतनी कहके मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू धरित्री जी, आपने अपने विषय असमिया लोक कला एवं संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक राज्य असम की लोक संस्कृति और उस लोक संस्कृति लोक कला और लोक परंपरा की चर्चा कैसे ह्यूएन सांग जैसे भारतीय इतिहासकार यात्री और हर्ष चरित्र में कैसे बाणभट्ट जी को इसकी चर्चा करनी पड़ी, इन सब पर आपने अपने पेपर के माध्यम से हम सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और आप अपने कार्य में सफल रहे, इस हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है नीतू श्री दास जी, आप उपस्थित हैं नीतू श्री दास जी।
आपका विषय है पूर्वोत्तर भारत के भाषा एवं लोक साहित्य का महत्व। आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी मैम। वीडियो ऑन कीजिए। नमस्कार, मैं निजुश्री दास। सबसे पहले तो आप सभी को मैं अपना आदर और सम्मान प्रदान करती हूँ। मेरा जो विषय है वह है पूर्वोत्तर भारतीय भाषा एवं लोक साहित्य का महत्व। पूर्वोत्तर भारत सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है, यह हम सभी जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत सात बहनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। ये जो सात बहन का नाम है, मतलब सप्तभगिनी का जो नाम है, यह नाम 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया द्वारा एक रेडियो टॉक शो के द्वारा दिया गया था। हमारे जो पूर्वोत्तर भारत का जो सप्तभगिनी नाम है वह ज्योति प्रसाद सैकिया जी ने प्रदान किया था। ये जो सप्तभगिनी नाम है यह मूल रूप से क्यों पड़ा, अगर इसके ऊपर बात करें तो देखा जाता है कि जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा है, इसमें जो भाषाई एकता है वो उसे सप्तभगिनी नाम देने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो असम में असमिया भाषा के साथ साथ बोरो, बंगाली, ग्वालपरिया आदि भाषा बोली जाती है और इसके साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रचलन देखा जाता है। ये जो भाषा है मणिपुर में जो मणिपुरी, मेघालय में गारो तथा खासी, त्रिपुरा के बोरो नाम लिया जा सकता है। ये सब भाषाएं इन प्रदेशों में बोली जाती है। ये भाषाएं अक्सर क्या करते हैं, अपने जो लोक साहित्य है, लोक साहित्यों के द्वारा अपने जो अनुभूति है, भावानुभूति है, उसको अन्य एक प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। इससे क्या होता है, उन सभी प्रदेशों के बीच एक सूत्रता तथा भगिनी का जो भगिनी का रूप ले लेते हैं। तो इसके बाद आते हैं भाषा के क्षेत्र में बांग्ला और हिंदी भाषा को अगर देखा जाता है कि उत्तर भारत में सभी प्रदेशों में लगभग बांग्ला और हिंदी भाषा अधिकांश लोग समझते हैं, बोलते हैं। तो हिंदी भाषा और बंगाली भाषा सभी लोग समझने के कारण यह भी एक सूत्रता का एक रूप लेते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में भाषा का यह एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भाव है। साथ ही अगर हम लोक साहित्य की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में हम जो लोक साहित्य है उसकी बात अगर करें तो देखा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश लोग कृषिजीवी है, मतलब इसका जो आर्थिक स्थिति है वो कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए लोग अक्सर लोक साहित्य में कृषि को प्रधानता देते हुए अपने साहित्य का सृजन करते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में जो आदिवासी लोग होते हैं, प्राचीन काल के जो आदिवासी लोग हैं वे अक्सर उनके बीच क्या होता है, परस्पर लड़ाई झगड़े भी होते रहते और वह लड़ाई झगड़े युद्ध का रूप भी धारण कर लेते थे। तो उस युद्ध का रूप धारण करने की इस व्यवस्था को भी पूर्वोत्तर के कुछ साहित्यकारों ने अपने लोक साहित्य में उसका प्रचलन किया है। तो युद्ध का जो वर्णन है, युद्ध वीरों का जो योद्धा का जो वीरता है, उसको भी लोक साहित्य में साहित्यकारों ने प्रचलित कर दिया है। साथ ही पूर्वोत्तर के जो लोक साहित्य में जो जड़ चीजें है, मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, ये सब जड़ है, लेकिन पूर्वोत्तर लोक साहित्य में इन सब को मानकीकरण रूप दे दिया गया है। जैसे हम असम में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी की जो कहानी है बुढ़िया खादू, वो बहुत ही जनप्रिय है। उसमें कहानी है तुला और तेजा। तुला और तेजा में जब तेजा की विवाह हो जाते हैं तब क्या होता है, उसके घर से कुछ भी नहीं दिया जाता, उसको सतेली माँ के रहते उसे कुछ भी नहीं दिया जाता जब की शादी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब वो शादी करके चली जाती है तो उसके पीछे पीछे घर के सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं सभी कुछ पीछे पीछे चलने लगते। तो इसमें देखा जाता है कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो लोक साहित्य है
उसमें क्या होता है, जड़ चीजों को भी मानकीकरण रूप दे दिया गया है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह भी लोक साहित्य के क्षेत्र में इसे अत्यंत जनप्रिय भावधारा के रूप में माना जा सकता है। साथ ही और भी एक है जो तेजा तुला और तेजा की कहानी में और एक चीज है जिसमें मानकीकरण है लोक साहित्य में, जब तेजा की माँ को उसे जब नदी में जब धकेल दिया गया था तो वो क्या हो गई थी, कछुआ बन गई थी, तो वो कछुआ भी बात करने लग गए थे। तो इससे देखा जाता है कि यहाँ पर जो जड़ चीजें हैं या जीवित चीजें हैं जो आवाज नहीं भी दे सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी बात मानकीकरण रूप देकर उसे भी उस बात करवाया गया है, तो यह अत्यंत रोमांचकर है। साथ ही पेड़ पौधों की बात अगर करें हम, यह अत्यंत मतलब आश्चर्य की बात है कि आप पेड़ पौधे भी बात कर सकते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की जो लोक साहित्य है वह इतना चमत्कारी रूप धारण करते हैं, इसमें देखा जाता है कि पेड़ पौधे को भी बात करते हुए देखा जाता है, तो यह अत्यंत मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। उसे देखकर भी हमें बहुत सारी चीजें मतलब जो अलौकिक सी बात है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत की भाषाई भाषा के दौरान भी उन सभी प्रदेशों के बीच एकता बनी रही है, और जो लोक साहित्य है वह भी अपने आप में एक परिचय प्रदान करते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वह भी हमें पूर्वोत्तर भारत के लोक साहित्य को विश्व दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि भाषा और लोक साहित्य ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी मतलब साहित्य है या फिर जो भी विशेषताएं है, प्रवृत्ति है, सभी आगे जाकर हमारे विश्व दरबार में एक स्वर्ण अक्षर में उसे लिखा जाए। तो यही कहकर मैं अपने पेपर समाप्त करती हूँ। थैंक यू नीतूश्री, आपने अपने पेपर के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के लोक साहित्य को समेटने की कोशिश की, भाषा को भी चूंकि आपने समेटने की कोशिश की, आपका विषय काफी बड़ा हो गया है। अगली बार अगर समय कम हो तो विषय को थोड़ा सा आप संक्षिप्त कीजिए या टॉपिक ही ऐसा लीजिए जिसे आप 5 या 10 मिनट में समेट सकें। जी मैम, अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ बढ़ते हैं और बुलाते हैं हम लोग अखिल कलिता। अखिल कलिता जी, आप प्रेजेंट हैं, आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित हूँ। आपका विषय है राभा संस्कृति और बाइखो उत्सव। हाँ जी, शुरू कीजिए। इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। डिमोरिया महाविद्यालय IQAC के तरफ से आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए मैं काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, और इस मंच पर संचालिका महोदया उनको विशेष रूप से प्रणाम, और जो श्रोत विद्वान है, जो रिसर्च पर्सन है, उनको विशेष रूप से नमन। और परिचित इसके पहले राजवीर सिंह सर यहाँ इस मंच पर विद्वान है, उनको देख के काफी उत्साहित हुआ। अखिल जी, हाँ अखिल जी, समय कम है, आप अपने विषय पर आ जाइए। सीधे आ रहा हूँ, और बाकी जितने सारे विद्यार्थीगण हैं उनको भी नमस्ते। राभा संस्कृति और बाइखो उत्सव। राभा संस्कृति असम के मूल जो जनजाति है, मूल जनजातियों में से एक राभा जनजाति के रूप में जाना जाता है, और इनकी संस्कृति के बारे में जानना, इनके जीवन यापन की धारणा के ऊपर जानना, और इनको अच्छी तरह से पहचानना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, और इनके संस्कृति को एक धरोहर देना हमारा मुख्य कर्तव्य है। और
जहां तक संस्कृति का सवाल है, स्पष्ट है कि संस्कृति का अर्थ है ऊपर उठना, ऊपर उठना, विकसित होना, संस्कारित होना, आगे बढ़ना। और संस्कृति इसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है वास्तव में, और जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में निहित है। संस्कृति का शब्दार्थ, जैसे मैं पहले बताया, उत्तम है, सुधरी हुई स्थिति है। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है और यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर प्राकृतिक परिस्थितियों को सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है। और संस्कृति ही अन्य जीव जंतुओं से हमें अलग कराते हैं, मानव समुदाय को अलग बनाते हैं। सभ्यता से मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति होती है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। वास्तव में संस्कृति जीवन के निकट से जुड़ी हुई है और यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है, मनुष्य से ऊपर उठाता है, जानवर या जंतु के उस दर्जे से ऊपर उठाता है, मनुष्य से महामानव की और आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो संस्कृति जीवन की एक विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं और जो भाषा हम बोलते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी संस्कृति के पक्ष में है वास्तव में। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते और कार्य करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित होता है। किसी देश की लोक संस्कृति का महत्व उस देश के जीवन में अंतर्निहित है और उसका अपना स्वतंत्र प्रवाह होता है जो निरंतर प्रभावित हुआ करता है। उसमें स्थायित्व का तत्व अधिक होता है और परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित होती है। लोक संस्कृति जन सामान्य की संपत्ति होती है। लोक में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित एवं प्रचारित रीति रिवाजों एवं संस्कारों से उसकी निर्मिति होती है। जहां तक राभा जनजाति की संस्कृति के बारे में बताऊं, राभा जनजाति असम में निवास करने वाली जनजातीय गोष्ठियों में अन्यतम जनगोष्ठी है। राभा जनजाति के लोग असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के कोचबिहार, जलपाईगुड़ी जिले के भिन्न अंचल में नजर आते हैं। अधिक संख्यक राभा लोग असम के ग्वालपाड़ा, कामरूप, धुबुरी, नलवारी, दरंग और कोकराझार आदि जिले के भिन्न स्थल में निवास करती हुई। अखिल जी, आप बाइखो उत्सव पर एक मिनट बोलिएगा। बाइखो उत्सव पर जी जी, बाइखो उत्सव वास्तव में उनका प्रधान उत्सव है। बाइखो उत्सव राभा जनजाति का एक प्रधान उत्सव है। जिस तरह से असमिया लोगों का बिहू, रंगाली बिहू या चाहे कोई भी बिहू कहे, कंगाली बिहू या भुगाली बिहू, प्रधान उत्सवों में से उनमें से रंगाली बिहू प्रधान उत्सव माना जाता है, ठीक उसी तरह से बाइखो उत्सव राभा जनजाति का प्रधान उत्सव है। और ये जो उत्सव है वैशाख या ज्येष्ठ महीने, ये दोनों महीने के बीच
इसका पालन होता है। और इस वाइखू उत्सव में जो पारंपरिक रूप से जो कुछ किंवदंतियां है उसको मानते हुए इसमें कुछ किंवदंतियां है कि दो लड़की मछली मारने के लिए जाती है और लेकिन उसके हाथ में कभी मछली आती नहीं, बार बार सभी के जाल में मछली फंस जाते हैं लेकिन उसके जाल में फंसते नहीं है। बारी बारी दोनों के जाल में एक पत्थर फंसता है और गुस्से के मारे उसी पत्थर को वो घर ले आती है और अपने भाई को देती है, लेकिन वही पत्थर पिछले दिन एक हीरे के रूप नजर आती है और भाई उसको बहुत समेत कर उसको रख देती है और सपने आते हैं कि इस पत्थर को आप रखेंगे तो आप आपके साथ साथ आपके जो गांव वाले हैं ये वैभवशाली होंगे, धनी होंगे और कृषि में आत्मनिर्भर। अखिल जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी और मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय काफी है, हम लोग 30 मिनट्स पीछे हैं, तो सॉरी। सॉर्टली बता रहे हैं, अंत में बाइको उत्सव समय हो गया है, आपको एक्स्ट्रा एक मिनट भी दिया गया है जी, तो हम लोग आपको धन्यवाद, हम नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी शेष पेपर प्रेजेंटर से मैं निवेदन करना चाहूंगी, 4 बजे से दूसरा सत्र शुरू होना है, हमारे पास समय बहुत कम है, दिए गए समय आपको जरूर मिलेंगे, उन्हीं समय में आप अपनी बात को समेटने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट हम बुलाते हैं ताइबुन नेशा, आप उपस्थित हैं? जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी, आप हाँ वीडियो ऑन और अपनी बात शुरू कीजिए, आपका विषय है सांस्कृतिक संगम और पूर्वोत्तर भारत। जी मैम, तो मेरा विषय है सांस्कृतिक संगम एवं पूर्वोत्तर भारत, इस पर मैं अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त तरीके से रखना चाहूंगी कि संस्कृति किसी भी देश की पहचान या उस देश की अमूल्य धरोहर होती है, या किसी एक व्यक्ति के परिणाम नहीं होता है बल्कि असंख्य व्यक्तियों के जैसे सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर उस संस्कृति का निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारे प्रथा, सामाजिक व्यवस्था, संस्था, दर्शन, लिपि, भाषा तथा अनेक कलाएं होती हैं जिससे संस्कृति का निर्माण होता है। और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति भी कुछ ऐसे ही विकसित हुई है, जिसमें से अनेक जो यहाँ के आपदाओं को पूर्वोत्तर भारत के निवासियों ने झेला है और अपनी भाषा को, बोलियों को एवं साहित्य संस्कृति को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से संजोया है, जिसमें आप पूर्वोत्तर भारत के ये जो 8 राज्य हैं उसके निर्माण में जितनी संस्कृति कार्य जो कलाप है, जैसे कि पर्व त्योहार, इन सब का जो विशेष योगदान रहा है, उसी तरह से यहाँ के प्राकृतिक संपदा को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यहाँ के प्राकृतिक ने बहुत ही खूबसूरत और सह शांत वातावरण के ने उपहार के तौर में जैसे कि नृत्य, संगीत, कला और सौंदर्य की दृष्टि प्रदान की है, जिसके कि यहाँ पूर्वोत्तर भारत के जितने जो जनजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हुए भी उनमें आपसी जो व्यवहार है, भाईचारे की जो भावना है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जो पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातियों में जो एक भावना जगाने वाली है और ये इनकी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम या सांस्कृतिक की जो गति है, कला है, उसको संजोने का काम करती है। और यहाँ के पूर्वोत्तर भारत की जो सांस्कृतिक संस्था को जो संभालने और उनके रेख देख के कार्य करने वाली एक संस्था है, जिसमें जनजातीय प्रेस एंड कल्चर प्रोडक्शन फॉर्म नामक एक सांस्कृतिक संस्था काम करती है। ये सभी जनजातियां जो पूर्वोत्तर भारत की है, भले ही वो अंग्रेजी और हिंदी सीखने लगी हो, लेकिन वो अपने खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा रीति रिवाज सबके प्रति वो बहुत प्रेम रखते हैं। और यदि कहा जाए कि यहाँ जो है पूर्वोत्तर भारत जो है साथ ही
धरती यहाँ की जो है शक्ति सौर्य और भक्ति के त्रिवेणी संगम है। और यहाँ के जो बहुत सारे जो पर्व त्योहार हैं उसमें जो है जैसे कि अगर मकर या इसे जो है मणिपुर की या फिर हम कहें कि पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्य भी जो ये फसल होने के बाद मनाते हैं। और इस तरह से जो एक सांस्कृतिक जो संदेश देता है वो जिसमें कि मानिए कि एक तरफ तो ये सांस्कृतिक मिश्रित संदेश को प्रस्तुत करता है और साथ ही जो है भावात्मक एकता का भी संदेश जो है पूर्वोत्तर भारत के लिए है। और ये सिर्फ पूर्वोत्तर भारत को ही नहीं आकर्षित करता है, मानिए पूरे भारत को ये संदेश देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ठीक इसी प्रकार से ना जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है शिव सागर के शिव मंदिर, अहोम राजाओं के महल, फिर दिमापुर के फिर उसी तरह से है प्रदत्त है राम जो भीम द्वारा प्रदत्त है गदाएं, रामायण की राम कथा के आधार पर जैसे कार्बी जनजातीय भाषा में साविन आलू कार्बी रामायण को देख सकते हैं तथा तो रामोती जनजातीय भाषा में लिखचांड और रामायण को आप रामावती रामायण को भी आप ये जैसे इस तरह के सांस्कृतिक कार्य जो है ये पूर्वोत्तर की ही देन है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की इन जो है वो सांस्कृतिक संगम भूमि है और यहाँ पूर्वोत्तर भारत की गरिमा को प्रदर्शित तो करते ही है साथ ही शांति सुखद एवं भाईचारे का भी संदेश देते हैं। धन्यवाद मैम। नेशा जी आपका बहुत बहुत आभार। हम सभी मानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत देश के अन्य भागों के साथ ही यहाँ की संस्कृति यहाँ की परंपरा अमूल्य धरोहर है और यहाँ की संस्कृति और परंपरा के बिना भारतीय परंपरा और संस्कृति भी अधूरे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम डॉक्टर उदय भान भगत जी को बुलाना चाहेंगे। उदय जी आप प्रेजेंट हैं? हाँ मैं हूँ। आपका विषय है तीवा लोकोत्सव। हाँ जी हाँ मैम नमस्कार। अब अपने बात शुरू। हाँ जी तो मेरा विषय है तीवा लोकोत्सव सगरा मिसावा और जंखंग पूजा मिसावा। तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न जनगोष्ठियों का मिलन स्थल रहा है और यहाँ विभिन्न जनगोष्ठियाँ निवास करती रही हैं, जिसमें से एक जनगोष्ठी है जो मैंने अपने शोध पत्र का विषय रखा है वह जनगोष्ठी है तीवा। तो इनके उत्पत्ति और इनके नाम के विषय में बहुत से मतवाद प्रचलित हैं, समय के अभाव में मैं उतना विस्तार से जाना मैं नहीं चाहूँगा और इनके जो उत्सव है मैं उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहूँगा। ये जो इनके दो उत्सव हैं जो मूल रूप से कृषि से संबंधित हैं, हालांकि इनके तीवा जनजातियों के उत्सवों में कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं लेना चाहूँगा, जिसमें है सगरा मिसावा है, वसंत वरत उत्सव है, देव यात्रा उत्सव, शिंगाल पूजा, खेरकटा पूजा, माल पूजा, शनि पूजा, थल पूजा, थान पूजा, बरघर पूजा इत्यादि मुख्य हैं। लेकिन इन उत्सवों और पूजा में से मैंने दो उत्सवों को लिया है, वे उत्सव हैं सगरा मिसावा और जंखंग पूजा मिसावा। ये दोनों कृषि से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जंखंग पूजा मिसावा का। यह उत्सव हालांकि इनका जो उत्सव है पूजा के रूप में मनाया जाता है, पूजा है और साथ में उत्सव भी है। तो जंखंग पूजा मिसावा इस उत्सव का पालन किया जाता है कृषि कर्म आरंभ करने से पहले, जब कृषक लोग कृषि कर्म में प्रवृत्त होते हैं ठीक उसके पहले वे अन्न देवता की पूजा करते हैं कि फसल अच्छी हो और कृषि कार्य करते समय किसी भी तरह का कोई व्याघात ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वे पूजा इत्यादि करते हैं। सबसे पहले अपने जो कृषि के काम में आने वाले औजार हैं उसकी पूजा करते हैं, अन्य देवता की पूजा करते हैं और पूजा करने में वे जिन चीजों का उपयोग करते हैं जिसमें है तुलसी का पत्ता लेते हैं, दूब लेते हैं, कासे का लोटे में पानी लेते हैं, शराब चाहिए वहां पर उस पूजा में, अच्छा चावल चाहिए, मुर्गी का अंडा चाहिए और उपास्य देवता की स्तुति के लिए दो मुर्गा और दो मुर्गी की भी वहां व्यवस्था की जाती है। पुरोहित उस साल फसल कैसा होगा
इसका वे विचार करते हैं, अंडे को फोड़कर वह मंगल विचार करते हैं कि इस साल फसल या उसका उत्पादन कैसा होगा। और इसके बाद ये मंगल विचार करने के बाद वे जो मुर्गे होते हैं उसकी बलि देते हैं। बलि देने के बाद उसके वेदी पर, पूजा की वेदी पर रक्त को चढ़ाया जाता है, मांस के कुछ टुकड़े को और साथ में उसके जो लीवर है, कलेजा है, उसके कुछ टुकड़े को एक छोटे से लकड़ी के सींक में खोसते हैं। खोस कर उस वेदी के सामने उसको भी उसी तरह से गाड़ कर रख देते हैं, वे भी उसे चढ़ाते हैं। इसके बाद गांव के लोग जो है बहुत व्यस्त होते हैं इस पूजा में, और इस पूजा के आयोजन में जो भी खर्च होता है वहां लोग दान देते हैं, बूढ़े लोग या जवान लोग जो भी हैं अपने आमदनी से वहां वे दान देते हैं और उससे पूजा इत्यादि का आयोजन किया जाता है। तो बहुत ही एक मंगलमय वातावरण, उत्साहमय वातावरण वहां पर बनता है। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि उसमें कितनी यथार्थता है पता नहीं, जब वे मुर्गे की जब बलि देते हैं इसके बाद उसके जो आंत है, अतड़ी को निकालते हैं बाहर, निकाल कर उससे मंगल विचार करते हैं फिर जो पुरोहित है कि वह फसल उस साल उत्पादन कैसा होगा, कोई अमंगल तो नहीं होगा कृषि कार्य करते समय। और उसमें ये देखते हैं कि उसके आंत में कहीं कोई धब्बा तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है। यदि उसके अतड़ी में, आंत में कोई काला धब्बा या दाग दिखाई पड़ता है तो वे विचार करते हैं कि इस साल या तो पैदावार अच्छी नहीं होगी या कृषि कर्म करते समय कृषक को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है या कोई अनहोनी हो सकती है। तो इसमें कितनी यथार्थता है, कितनी सच्चाई है, इस तरह की जो लोक विश्वास है, और इसी के आधार पर भी इस जंखंग पूजा मिसावा की समाप्ति करते हैं। एक अन्य पूजा को हमने लिया है वह है सगरा मिसावा। तो सगरा मिसावा ये उनका वसंतोत्सव है, वसंतोत्सव के रूप में मनाते हैं अप्रैल महीने में, और इसमें भी बहुत ही वे धूमधाम से शरीक होते हैं। और इसमें कुछ नियम होते हैं इस पूजा के मनाने में, लोगों पर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, वे जूता चप्पल नहीं पहन सकते हैं, पैंट पजामा नहीं पहन सकते हैं, और उस मंडली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, दाव कटारी लेकर नहीं आ सकते हैं, छाता लेकर नहीं आ सकते हैं, लाठी लेकर नहीं आ सकते हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई हत्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की पाबंदियां होती है, पेड़ पौधे भी नहीं काट सकते हैं, लकड़ी नहीं काट सकते हैं, कोई फूस नहीं काट सकते हैं। इसके अलावे उसकी देख रेख के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसका कोई उल्लंघन न करे उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जिसे कहा जाता है फूरा खेल, उनके भाषा में फूरा खेल, जिसे हम खुफिया कह सकते हैं। वह देख रेख करता है कि कोई इस नियम का उल्लंघन न करे, और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो मुख्य पुजारी और साथ में सांदले सदृश कुछ अधिकारीगण होते हैं, वे उन पर दंड की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सी उत्सव में वातावरण है। इस उत्सव का जो सगरा मिसावा है जिसमें सब लोग मिलकर, एक साथ गाँव के लोग जो है सब मिलकर इस उत्सव में शरीक होते हैं, और सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र ही इनका परिधान, तिवा परिधान, और साथ में जो नृत्य है वाद्य यंत्र के साथ जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं वह इस उसमें नृत्य करते समय जो गीत प्रस्तुत करते हैं उसकी पुनरावृत्ति वे 7 बार करते हैं, 7 बार, और एक ही सुर में वे करते हैं। और इसमें श्लील और अश्लील दोनों तरह के उसमें जो गीत गाए जाते हैं, लेकिन अश्लील गीत होने पर भी कोई किसी पर आरोप नहीं करता है, कोई किसी को बुरा नहीं मानता है, कोई उस पर किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करता है। और बहुत ही लोग इन इस उत्सव को पहले 7 दिन मनाया जाता था, अब समय के अभाव की वजह से कभी 3 दिन 4 दिन तक मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत भी बुधवार से करते हैं। बुधवार का दिन बहुत ही वे शुभ मानते हैं, कोई भी कार्य उसी दिन से करते हैं। और अभी 4 दिन के मनाया जाता है, शनिवार के दिन वे इस उत्सव की समाप्ति करते हैं, सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। और इस तरह से भोज भात का भी आयोजन किया जाता है, पुरुष सभी उस उत्सव स्थली पर जाना उनके लिए अनिवार्य है। यदि उनके घर में मेहमान कोई आया है, यदि पुरुष है, तो वह भी पूजा स्थली पर ही जाएगा, घर में नहीं रह सकता है। औरतें घर में रहकर खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था करती है। और उत्सव में स्थली में जो लोग, जितने भी लोग शरीक होते हैं उनके लिए भोज भात का आयोजन किया जाता है, मदिरापान भी करते हैं, मांस के साथ भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस तरह से अंत में शाम के समय वे एक अग्निकुंड प्रज्वलित करते हैं और उसके चारों ओर 7 परिक्रमा करके सभी लोग इस गीत को, इस उत्सव को विराम देते हैं। लेकिन इस उत्सव की विदाई करते समय सब बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि एक उत्सव में वातावरण लगभग पहले 7 दिन तक चलता था, अब 4 दिन तक मनाया जाता है। और जिस तरह से वसंतोत्सव मनाया जाता है इसी तरह से वे सगरा मिसावा उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से ये जो कृषि से संबंधित 2 उत्सव है, जंखंग पूजा मिसावा जो कृषि कार्य आरंभ करने के पहले, और सगरा मिसावा जब अनाज काट लेते हैं, उसके दौरी कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, तो खुशी के रूप में
वे वसंतोत्सव के रूप में संग्रामी सभा उत्सव का पालन करते हैं। मैम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आपने बहुत ही खूबसूरत लोक संस्कृति जो पूर्वोत्तर भारत की धरोहर है उससे हम सब का परिचय करवाया, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम प्रोफेसर राजवीर सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने विषय पर पेपर प्रेजेंट करें। प्रोफेसर राजवीर सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्ष डॉक्टर विमान भट्ट जी, डॉक्टर मल्लिका कंदली जी, श्री मोहिनी मोहन जी और इस के जो स्रोत व्याख्याता के रूप में हमारे सम्माननीय जुड़े हैं डॉक्टर दीतामणि बैसी जी और इस वर्तमान सत्र की अध्यक्ष डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जी और पहले सत्र के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर जयकोसर जी। मैं अपने विषय पर तो बात करूंगा लेकिन जिस विषय पर ये जो राष्ट्रीय वेबिनार है उस विषय के लिए हमारे इस सत्र की जो अध्यक्ष हैं वो कितनी कृत संकल्पित हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ जुड़कर कितना अपने पूर्वोत्तर के लिए और अपने त्रिपुरा राज्य की भाषा कला साहित्य और संस्कृति और जाति समुदाय के लिए कर रही हैं इसको मैं जरूर बताना चाहूँगा यदि इजाजत होगी तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे जो श्रोता विद्वान जुड़े हैं जो उनके लिए। तो मैं कहना चाहूँगा पहले हमारे संस्थान की कई योजना है पूर्वोत्तर को लेकर जिनमें हिंदी को और अच्छी तरह से कैसे सरल तरीके से पढ़ाया जा सके उसके लिए द्विभाषी अध्येता कोष निर्माण योजना है जिसके लिए हमारी मेनन रानी जमातिया जी ने अपने राज्य के लिए दो द्विभाषी अध्येता कोष, एक हिंदी काकवरक अध्येता कोष और एक हिंदी जमातिया अध्येता कोष के निर्माण कार्य में पूरा सहयोग देकर उन्हें प्रकाशित कराया है। उसी के साथ साथ हमारी संस्थान की दूसरी योजना है कि पूर्वोत्तर भारत के लोक साहित्य को कैसे संरक्षित और कैसे संवर्धित किया जा सकता है उसके अंतर्गत उस लोक साहित्य को संकलित कर उसका हिंदी में अनुवाद कराकर उसे प्रकाशित कराया जाना। इसके दो, एक तो हमारा पूर्वोत्तर का लोक साहित्य संरक्षित रहता है और उससे आम जन भी परिचित होता है। इसी में हमारी जमातिया जन ने दो लोक साहित्यिक काकवरक लोक साहित्य प्रकाशित हो चुका है और जमातिया लोक साहित्य साहित्य पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारी 31 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय इसी तरह की वेबिनार थी जो केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए हिंदी शिक्षण और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित थी। उसमें आप एक विद्वान वक्ता के रूप में पूर्वोत्तर को प्रदर्शित किया और इसी सक्रियता को देखते हुए हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के मंडल ने, प्रशासन ने जो हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्वोत्तर के तीन केंद्र क्षेत्रीय केंद्र हैं गुवाहाटी, शिलोंग और दीमापुर, इनके संयुक्त रूप से प्रकाशित ये मैं समन्वय पूर्वोत्तर पत्रिका, पहले लोग खूब इससे जुड़े हुए भी रहे हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। यह त्रैमासिक पत्रिका भाषा साहित्य कला संस्कृति समाज और शिक्षा पर आधारित है पूरी तरह से। यह आठों राज्यों के साथ साथ अब गत दो वर्षों से इसमें पूर्वी भारत के दो राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को भी जोड़ा है। तो यह पत्रिका हमारी 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी इस समय प्रधान संपादक डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यह हमारी इस विषय पर जो आज की वेबिनार का है उस पर बड़ी कर्मठता से अन्य अन्य पहलुओं पर सजग हैं और कार्यरत हैं। मैं कुछ अपने जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया उस पर भी मैं कुछ सार रूप में कुछ बातें रख दूं दो मिनट के लिए। तो मेरी उसका विषय
पूर्वोत्तर भारत के पर्व त्योहार संस्कृति हमें पूरे पर तो नहीं लेकिन कुछ दो मिनट विचार जरूर रखना चाहूंगा। पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर बहुत संपन्न है। यहाँ की संस्कृति अनोखी और वर्षों से दशकों से इसके कई अवयव अब तक अक्षुण है। विभिन्न धर्मों के इस भूभाग पर मन भावन पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू, क्रिसमस, ईस्टर, नंग प्रेम नृत्य, बांग्ला नृत्य, चेरी नृत्य, लोसार उत्सव, दोरग्या उत्सव का साका उत्सव, सोलुंग ये अरुणाचल का है, सोलुंग उत्सव, रासलीला, लाई हरोबा, रथ यात्रा, चाप चार कुट, हम कुल उच्चारण में कुछ मुझसे हो सकती है, सैक्रीनी, आउलिंग, मोन्यू, तुरुनी, हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड से, मेटिन्यू, टोकू, इमो, दिवाली, होली, दशहरा, पोंगल तथा ओणम, ईद, ईद उल फितर, मुहर्रम आदि भी काफी इस क्षेत्र के लोकप्रिय हैं। पूर्वोत्तर भारत भाषा के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर भारत भारत वर्ष की सर्वाधिक विविधताओं वाला क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक जनजातियां तथा जनजातीय भाषाएं हैं। भारत वर्ष के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्य पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुराएं पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। संपूर्ण भारत में ऐसा दूसरा भाग नहीं है जहां इतनी अधिक भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता हो। यह हमारी पूर्वोत्तर भारत की ही विशेषता है। पूर्वोत्तर भारत बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक और बहु भाषिक जातियों एवं जनजातियों का एक समुच्चय गुणदस्ता है। यह क्षेत्र हिमालय की पहाड़ियों के हरितिमा से समृद्ध है। इसकी भौगोलिक सीमा सिक्किम से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए त्रिपुरा, मेघालय और असम तक फैली हुई है। पूर्वोत्तर भारत का यह क्षेत्र एक साथ कई सदियों में जीता है। जीवन बोध केवल मानसिक स्तरों और उप स्तरों में ही विभक्त नहीं है बल्कि कई दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को भी व्यापक पलक पर उकेरता है। सांस्कृतिक बहुलता के दृष्टिकोण से यदि भारत विश्व का एक लघु संस्करण है तो यह पूर्वोत्तर भारत भी अपनी तमाम विशेषताओं के लिए पृथ्वी के लघुतम संस्करण के रूप में अभिहित किए जाने योग्य है। दर्शन, समाज, इतिहास, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व त्योहार तथा चिंतन और विश्वास आदि के आधार पर पूर्वोत्तर भारत भूमि बहुलतावादी संस्कृति का विस्तार तो है ही, साथ ही बहुलता और विविधताओं के कारण अनेकता में एकता का परिचायक भी है। यही पूर्वोत्तर भारत की विशेषता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। मुझे ये अवसर मिला इसके लिए नेमरिया कॉलेज के खासकर बहन डॉक्टर यशोधरा वोरा जी को और अपने आयोजक के सभी सम्माननीय सदस्यों को, विद्वानों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई प्रोफेसर राजवीर सर, आपका बहुत बहुत हम भाई, और समय कम है सर, इससे ज्यादा मैं आपको आपके विचारों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। हम लोग नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार सर। हमारा नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर है मोनिमा बोरा। मोनिमा जी आप उपस्थित हैं? जी मैम। मोनिमा जी? जी मैम। हाँ जी, अपना हाँ माइक ऑन कीजिए और आपका विषय है पूर्वोत्तर भारत के लोकोत्सव रंग केर के विशेष संदर्भ में। आपका स्वागत है और आप अपनी बात शुरू करें। जी मैम, धन्यवाद। उपस्थित विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मोनिमा बोरा गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्नातोत्तर चतुर्थ तिमाही की छात्रा। मेरा विषय है पूर्वोत्तर भारत के लोकोत्सव रंगेर के विशेष संदर्भ में। तो मैं सबसे पहले यह बात बताना चाहती हूँ कि असम के जैसे प्रमुख लोकोत्सव है बिहू, बैसाखू, बेखो आदि हम जानते हैं, ये सब लोकोत्सव है।
तो उसके बीच हम और एक लोकोत्सव जैसे कार्बी जनजाति मनाते हैं, वो है रंगकेर या लोकोत्सव। साल के पहले साल के जनवरी महीने में मनाते हैं और सुविधा असुविधा अनुसार, ये मतलब ऐसा नहीं है कि जनवरी महीने में ही मनाया जाए, तो सुविधा अनुसार ये मनाते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो अगर हम बात करें या रंग के पूजा या उत्सव की, तो यह गांव से कुछ एक निर्दिष्ट स्थान में जाकर दूर किया जाता है और यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही पूजा स्थल में रहते हैं और महिलाएं जो बुजुर्ग है, यानी हम लोग जो बोलते हैं गांव बूढ़ा, तो उनके यहाँ उनके घर पे शामिल होती है और खान पान की व्यवस्था करती है। और अगर इस पूजा में जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं, और कार्बी भाषा में अगर हम बताएं तो आरनाम यानी कि शिव और हेम्पू यानी कि विष्णु, तो उनको पूजा करते हैं। और इस पूजा में बलि विधान प्रचलित है, तो बलि प्रथा को यहाँ पे माना जाता है। और बलि में जैसे बकरी या मुर्गा हो या सुअर, ये सब बलि देते हैं। और यह पूजा जैसे नदी पहाड़ या जैसे खेती बाड़ी के लिए किया जाता है, और यह पूजा प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। लेकिन अगर हम रंगकेर को अच्छी तरह से देखें, तो उनके हिसाब से ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जो है जैसे झुमझुम रंगकेर, ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और ये गांव वालों के मंगलार्थ हेतु ये उत्सव मनाए जाते हैं। और फिर है हवार रंगकेर, इसको प्रधानतः झूम खेती के लिए मनाते हैं। और फिर है वोफोंग रंगकेर, ये चार या पांच वर्ष के अंतराल में ये मनाए जाते हैं। और पूजा के विविध सामग्री जैसे चावल, बांस या बस का पत्ता, हल्दी, तुलसी, केले का पत्ता आदि, ये सब व्यवहित होता है। और उन लोग वे पूजा में मद्यपान करते हैं या भोज भात भी खाते हैं। और जो बुजुर्ग पूजा करते हैं उनको कुरुसार बोलते हैं, और वे सफेद वस्त्र पहनते हैं। और जो विवाहित पुरुष होते हैं वे लाल पोहो, जो हम लोग गमछा बोलते हैं, वे धारण करते हैं। और उसके बाद जो अविवाहित है वे सफेद पोहो लेके पूजा स्थल में बैठते हैं। और फिर अगर इस पूजा के बारे में, और यह पूजा एक इस पूजा का एक और रिवाज है कि पूजा के पहले दिन संध्या समय कुछ गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, गांव बूढ़ा जो हम कहते हैं, उनके घर जाके शामिल होते हैं। और वहां पे वे लोग शामिल होकर कुछ ऐसे नियम करते हैं पूजा के लिए। मान्यता है कि वे रंगकेर पूजा के लिए भगवान को आमंत्रित करते हैं, और उसको उस नियम को बोलते हैं छे कछारी। तो निष्कर्ष में ये इसको बताना चाहती हूँ कि यह पूजा खेती बाड़ी के संदर्भ में या गांव वालों के मंगलार्थ हेतु तो ये पूजा किया जाता है। और इसके लिए इस पूजा के जरिए भाईचारे का प्यार गांव वालों के बीच में बढ़ता रहता है, सभी एक साथ पूजा में उपस्थित रहते हैं, और सभी जो अपने हिसाब से पैसा देकर ये पूजा एक साथ ही करते हैं। और इस पूजा जैसे हम लोग स्तुति मूलक गीत गाते हैं पूजा के लिए, तो कार्बी लोग भी ये एक उन लोगों का प्रार्थना गीत है, मैं सिर्फ एक दो लाइन दोहराती हूँ। एथान आरनाम थिली आरनाम नेतु नांगथान सी केडो नांग थिली सी केडो नेतुम नांगसो नांगसो के प्लांग नेराय पामेटो नेकुम पामेटो। मतलब इसका यही अर्थ है कि हे भगवान, अब हम आप सभी की रक्षा करें, गांव वालों की रक्षा करें, और जो हमने हमारे खेती बाड़ी है उसकी फसल अच्छी तरह से उगे, कोई भी इससे विनष्ट ना कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कारवी लोकोत्सव रंग केर के बारे में हम सभी को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम डॉक्टर परिश्मिता जी को पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहूंगे। आपका स्वागत है और आपका विषय है महाकाव्य अनाश्रयी पूजा पाली की प्रासंगिकता। मैम अब अपनी बात शुरू कीजिए। जी, डिमोरिय कॉलेज के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत शीर्षक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है महाकाव्य अनाश्रित पूजा पाली की प्रासंगिकता। समय कम है, फिर भी इसी समय के बीच में मैं अपने तरफ से गागर में सागर भरने के लिए कोशिश करूंगी। सर्वदेवी मनसा असम के दरंग कामरूप ग्वालपाड़ा के जनजातीय और अजनजातीय लोगों के बीच में पूजित है। मानसा देवी मारे पूजा, मानसा देवी की जो पूजा है वह मारे पूजा, बरमानी पूजा, गुसाई पूजा, पद्मा कुमारी पूजा आदि विभिन्न नामों से हमारे समाज में प्रचलित है। इन पूजाओं में गीत पद वाद्य यंत्र संबंधित नृत्य आदि प्रदर्शित होना अनिवार्य है। मानसा पूजा के विधि में ही ये उल्लेख है कि मानसा देवी को शास्त्रीय और लौकिक दोनों पद्धतियों से पूजा उपासना करने के बावजूद भी नित्य गीत वाद्य यंत्र आदियों से देवी को आनंदित करना अनिवार्य है। अर्थात मानसा पूजा में गीत वाद्य यंत्र नित्य और उसके साथ 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 ही साथ उससे संबंधित अन्य अनुष्ठान अनुष्ठित होना अनिवार्य है। सुकवि नारायण देव ने भी अपने काव्य में कहा है कि मानसा पूजा में जब तक मानसा पूजा तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक पूजा के साथ साथ गीत वाद्य नित्य के अनुष्ठान परिवेशित नहीं किया जाएगा। विषय वस्तु के आधार पर महाकाव्य अनाश्रयी पूजा पाली को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। विषय वस्तु से ज्यादा यहाँ विभिन्न समाज में अनुष्ठित जो पूजा पाली है उस पूजा पाली के आधार पर ही हम ये विभाजन कर सकते हैं। पहला है सुखनानी पूजा पाली, इसके बाद बिसरी गान, मारे गान, पद्मा पुराण गान, टुकुड़िया उजापाली, गीतालु गीत या गीतालु गहन आदि विभिन्न भागों में इस उजापाली को हम विभाजित कर सकते हैं। महाकाव्य अनाश्रयी उजापाली सर्वदेवी मानसा या बिसरी या पद्मावती पूजा के समय अनुष्ठित या प्रदर्शित किया जाता है। उजापाली अनुष्ठान असम के बोरु, हाजोंग, गारू, राभा आदि विभिन्न जनजातियों में मानसा या बिसरी पूजा के उपलक्ष में अनुष्ठित किया जाता है और ये असम के अत्यंत जनप्रिय अनुष्ठान है। राभा समाज के अन्यतम गोष्ठी पाटीराभा के समाज में दो तरह के उजापाली प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें से एक है मारेगान और दूसरा है टुकुरिया उजापाली। ये मारेगान जो उजापाली है वो मानसा या बिसरी संगीत के एक आंचलिक रूप है और ये टुकुरिया उजापाली जो है वो संभवतः पाटीराभाओं के द्वारा ही उद्भव और विकसित हुआ है। और ये जो टुकुरिया उजापाली है ये टुकुरिया पूजा के अवसर पर या घर देवती नारायणी भगवती के पूजा उपासना के प्रांगण में ये पूजा या ये अनुष्ठान अनुष्ठित किया जाता है। मारेगान का प्रत्यक्ष प्रभाव से ही टुकुरिया उजापाली का जन्म हुआ है। हजम समाज में प्रचलित गीतालु गीत
या गीतालु गहन पूजापाली के साथ धुबुरी जिला में परंपरागत रूप से प्रचलित पड्डा पुराण के गान का सादृश्य परिलक्षित होता है। सर्तरी मानसा या बिसोरी पूजा के साथ संबंधित पूजापाली में देवधानी या दधानी का होना अनिवार्य है। मारेगान गीतालु गीत गीतालु गहन और कुकुरिया उजापाली में देवधानी या दधानी का अविच्छेद्य संबंध है, अर्थात देवधानी के अभाव में इन अनुष्ठानों का अनुष्ठित कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सुखमनी या मानसा उजापाली के साथ देवधानी अनुष्ठान का अविच्छेद्य रूप से वो संबंधित नहीं है। कभी कभी इसके अभाव में भी ये अनुष्ठान सुखमनी उजापाली या मानसा उजापाली मनाया जाता है। मलवाड़ी अंचल में प्रचलित सुखमनी उजापाली के साथ देवधानी अनुष्ठान का विशेष संपर्क नहीं है। टुकुड़िया उजापाली पहले समय में दक्षिण कामरूप और वर्तमान ग्वालपाड़ा जिला के पाटीराभाओं के बीच में जीवंत अनुष्ठान के रूप में प्रचलित था, लेकिन आज वर्तमान समय में ये अनुष्ठान केवल दक्षिण कामरूप बामोनी गांव अंचल के लामगांव और पाटीराभाओं के समाज में ही ये अनुष्ठान जीवंत है। उसी तरह ब्यासपारा सर्थेवाड़ी ब्यासकुशी आदि अंचल में ब्यास परंपरा बहुत हद तक समाप्त हो चुके हैं, तो इसीलिए वर्तमान समय में ये सभी उजापाली जिस रूप में भी हो, वो चाहे प्रथम अस्तित्व में हो या चाहे द्वितीय अस्तित्व में हो, हमें इस उस आधार में ही जिस आधार में हमें प्राप्त हो रहा है उसी हिसाब से ही उसी रूप में ही हमें सामग्रिक और पद्धतिगत रूप से इस उजापालियों का अध्ययन करना चाहिए, सोच परक अध्ययन करना चाहिए, ताकि ये उजापाली सुरक्षित रह सके। नहीं तो कुछ समय बाद ये इस उजापाली के प्रत्यक्ष और परोक्ष धारक या वाहक मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। संपूर्ण पेपर में मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ समय के अभाव में मैंने इतने ही बात रखा है। धन्यवाद। थैंक यू परिश्मिता मैडम, आपने महाकाव्य अनाश्रयी उजापाली के माध्यम से मनसा पूजा की पूजा विधि की विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत आभार। परिश्मिता मैडम ही अंतिम पेपर प्रेजेंटर थी। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, सभी प्रपत्र प्रस्तोता अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कम समय में अपने विषयों को समेटने की कोशिश की, सभी का बहुत बहुत आभार। विशेषकर एमए स्टूडेंट मोनिमा, सोनू, नीतुश्री और धरित्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप पूर्वोत्तर भारत के भविष्य हो बेटे, आप सब हिम्मती हो, साहसी हो, और उम्मीद करूंगी कि हर मंच पर आप दिखें। यशोधरा जी से मैं निवेदन करूंगी, आपके पास जरा सा और समय हो और हमारे श्रोताओं के पास अगर कोई जिज्ञासा है, सवाल है, तो हम 2-3 मिनट में इसे समेट लेते हैं। जी बिल्कुल मैम, हाँ, मंच को सबके लिए ओपन करने की अनुमति दीजिए। जी 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 बिल्कुल। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, और आपसे मैं निवेदन करूंगी कि हमारे जो 10 पेपर प्रेजेंटर्स रहे हैं, आप सब ने उनको सुना है, उनके विषयों को जाना है, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, तो हम लोग 2-3 मिनट के अंदर हम इसे समेटने की कोशिश करते हैं। मंच आप सबके लिए ओपन है। तो मेरे ख्याल से सारे विषय और सारे पेपर प्रेजेंटर्स की प्रस्तुति बहुत ही उम्दा रही है, और फिर से इजाजत लेते हुए बचे हुए समय में, समय बचा नहीं है, फिर भी 2-3 मिनट जो मुझे मिलेगा
उसमें मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। अपने मूल विषय पर आती हूँ और अपने विषय पर जाने से पहले सबसे पहले मैं डिमोरिया कॉलेज के प्रिंसिपल सर और डिमोरिया कॉलेज के IQSC की जो टीम और राष्ट्रीय वेबिनार की संयोजिका मैडम और आयोजन समिति के सभी सम्मानीय सदस्य और सारे श्रोता और मेरे साथी श्रोत विद्वान डॉक्टर रीता मणि मैडम और डॉक्टर जय कौशल जी, आप सबके अनुमति लेते हुए मैं 5 मिनट और आप सबका समय लेना चाहूंगी और मैं बात रखना चाहूंगी जमातिया की लोकोक्तियों में समाज एवं संस्कृति। मैं जमातिया समुदाय से आती हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस समुदाय की संस्कृति परंपरा में जो बातें हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूं और उस पर लगातार मैंने काम भी किया है, लेकिन आज तक मैंने जो काम किया है उस पर मैं न बोलकर एक नया विषय मैं चुन रही हूं। इस पर मैंने अभी अभी ही काम शुरू किया है और लगभग 1000 के करीब लोकोक्तियां मैंने कलेक्शन किए हैं जिस पर अभी और काम करना बाकी है, जिसकी जिस्ट को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और आप सबको पता है संसार के समस्त मानव समुदायों में उक्ति साहित्य का अपना विशेष स्थान है। जहां तर्क हार मान लेता है, बुद्धि काम नहीं करती है, वहां उक्तियां समाधान करने की सामर्थ्य रखती है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है लेकिन इसके गठन बहुत ही सूक्ष्म है। लोक जीवन के विस्तृत प्रांगण में फैलकर भिन्न भिन्न अनुभवों के रूप में समुदायों सर्वसाधारण के मानस को प्रभावित कर स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों से उपजे ये ऐसे पद या वाक्य होते हैं जो किसी खास समूह वर्ग क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थान विशेष के भूगोल संस्कृति भाषाओं का मिश्रण आदि की झलक आप देख सकते हैं। जमातिया में लोकोक्तियों के लिए साजाकमा कॉक का मतलब है बताई गई बात या बोली गई बात साजाकमा कॉक के रूप में शब्द प्रचलित है। इस भाषा में प्रचलित लोकोक्तियों ने समय के साथ अपना स्वरूप और उपयोगिता को बदला जरूर है, लेकिन इसने जातीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को आज तक जीवित रखा है और इन्हीं के माध्यम से हम जमातिया की जीवन पद्धति सामाजिक संरचना और मूल्यों को देख और समझ सकते हैं। इन लोकोक्तियों ने समय की सीमा को पार कर अनुभव के सागर से निकलकर जिंदा मुहावरा बनकर जमातिया समुदाय के जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी बन आज हमारे सामने उपस्थित हैं। तो मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगी और यह भी बताना चाहूंगी समय भले ही अपने आघात करते रहे लेकिन इनका स्वरूप बहुत नहीं बदला। और आपको बताना चाहूंगी लोकोक्तियों को व्याकरण के नियम प्रभावित नहीं कर पाता है, लिंग वचन काल आदि का प्रभाव भी इन पर नहीं रहता है। हम लोकोक्तियों का एग्जाम्पल देखते हुए सबका तो नहीं दे पाऊंगे, कुछ हो सकता है आपके समुदाय की लोकोक्तियों से मेल खा जाए, कुछ हो सकता है हिंदी की लोकोक्तियों से मेल खा जाए, हो सकता है दुनिया के कई समुदायों की लोकोक्तियों से मेल हो जाए, पर
यहाँ के स्थानीय रंग में रंग कर यहाँ के समुदाय की संस्कृति में मिश्रित होकर किस तरह से जमातिया समाज को गढ़ता है, किस तरह से जमातिया परंपरा को जीवित रखती है, किस तरह से जमातिया संस्कृति को जीवंत रखी हुई है, और मैं कहूँ तो किसी भी समुदाय की लोक कथाएं, लोक वाक्य, लोक गीत, गाथा आदि का मूल आधार लोकोक्तियां ही होती है। और ये ऐसी उक्तियां होती है जिससे हम लोग, अगर हम बिहारी को देखें या बिहारी की उक्तियां, हम सब उससे परिचित है, देखने में बहुत बिहारी के दोहे जो है कहलाते हैं ना, देखन में छोटो लागो भाव करे, अति गंभीर लोकोक्तियां भी बिल्कुल वैसी ही उक्तियां हैं। देखने में दो पंक्तियों की है, बहुत ही छोटे हैं, पर संपूर्ण जीवन का आधार है, हमारे जीवन और समाज का मूल स्रोत यही है। और लोक साहित्य में जहां कहीं भी उक्तियां हैं वे सब लोकोक्ति के अंतर्गत आती है। और मुझे लगता है बिहारी लाल जी ने शायद भारतीय जनभाषा समुदाय में चर्चित लोकोक्तियों से ही प्रेरित होकर सतसैया या बिहारी सतसै की रचना की होगी, क्योंकि उनको पता है लोकोक्ति का प्रभाव किस तरह से पड़ता है और लोकोक्ति कितना असरदार है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर रखना चाहती हूँ आपके सामने, एक जमातीय लोकोक्ति, आरोनाई हर पेकनांग, यानी मछली पकड़ने वाले ही कीचड़ से संते हैं। मछली पकड़ने जाओगे तो कीचड़ तो आपको लगेगी ही, आजकल की बात अलग है, हम लोग को बरसी से भी पकड़ते हैं, पर आम तौर पर हम कीचड़ में जाकर ही, पानी में उतर कर ही मछलियां पकड़ते हैं। इसलिए जो मछली पकड़ते हैं वे ही कीचड़ से सनते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि काम करने वाले ही गलती भी करते हैं। जो दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं, समझो वो कभी काम करता ही नहीं है, इसलिए उससे गलतियां भी नहीं होती है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, खा बाई था कथा खे साख बाई साख सोलायो, यानी मन मिलने से शरीर भी मिलता है। अक्सर प्रायः हम लोग पति और पत्नी की जोड़ी को देखते हुए यह कहते हैं कि दोनों जो है पति पत्नी नहीं लगते हैं, भाई बहन दिखते हैं, यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद उनका मन मिल चुका है, उनका शरीर मिल चुके हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि था भाई आप कथाते, जैसे मछली और था नामक जंगली आलू कि सब्जी बड़ी अच्छी बनती है, इसी तरह से दोनों का मन भी एक हो गए हैं। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो मैं आपके सामने और एक उदाहरण रखना चाहूंगी, और मैं उस वर्ग से लूंगी जमातिया लोकोक्तियों का, और एक वर्ग मैंने बनाया है कि यह अपने आप में पूर्ण यानी पूरे कथन के रूप में सामने आती है, भले ही लोकोक्ति वाक्य संरचना के सभी नियमों को पूरा न करें पर अपने में वह पूर्ण उक्ति होती है। जैसे कब हाया सरंगना नांगया, यानी बुरी बातों को खराब बातों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी अपने आप इसे सीखता है। प्रायः हम जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति गलती करें तो हम लोग कहते हैं माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। किसी समुदाय का व्यक्ति गलत काम करता है तो हम कहते हैं उस समुदाय में तो
कोई संस्कार ही नहीं है, पर सच यह है कि खराब बातों को, गलत काम को कोई नहीं सिखाता है। यह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति या कोई बच्चा सीखता चला जाता है। यह बात तय है, यह बात बहुत क्लियर है, फिर भी मनुष्य होने के नाते हम दोषारोपण करते रहते हैं एक दूसरे पर। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगी, और यह हिंदी में बहुत ही चर्चित उक्ति है। खोरक तुईसी मिसी हुई पाई का होंखे सेंसानो किरी हुई दे चासी। कौकबर का जो अभिधात्मक अर्थ है, सिर के बाल अगर पानी में भिगो दिया है तो फिर कैंची, जिसको कहते हैं ना नाइयों की कैंची, बाल कटवाने से डर कैसा। अब सिर ही भिगो दिया है तो अब बाल कटवाने से डर कैसा, जिसका हिंदी अर्थ यह है और जो बहुत चर्चित है, ओखली में सर रख ही लिया है तो मूसल से डर कैसा। और मैं आपको बता चुकी हूं कि लोकोक्तियां जीवन अनुभव पर आधारित होती है, जमातिया समुदाय की लोकोक्तियां भी इससे परे नहीं है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ किस तरह से यह जीवंत बनी हुई है और किस तरह से जमातिया समाज की संरचना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। खुगो कोगबा था गया सामगो चुकिया। जो बातों के धनी होते हैं ना, वे काम में सबसे पीछे रहता है। थोथा चना बाजे घना। इसलिए मैं प्रायः कहती हूं, जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मित्रों बंधुओं साथियों, जिसके पास समय नहीं है, आप काम या जिम्मेदारी उसी को दे दीजिए, क्योंकि वही काम करेगा, वही जिम्मेदारी निभाएगा। और जो खाली बैठा रहता है, जिसके पास टाइम ही टाइम होता है, वो जिंदगी भर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे काम के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं, कोई लगन ही नहीं, इसलिए उसके पास टाइम है। और जिसके पास समय नहीं है, वो किसी भी तरह मैनेज करके जो जिम्मेदारी नई उसे मिली हुई है उसे भी जरूर करेगा। ये मेरी मानना है और ये निजी विचार है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगी, यह उक्ति सभी जगह चर्चित है। कौक खनाया बसानी साई करी न चाफियो। कुपुत्र से संतानहीन होना अच्छा है, यानी कपुते से निपुति भली। कहने का आशय यह है, प्रायः आजकल यह कथन, यह उक्ति कब कही गई बुजुर्गों के माध्यम से, इन उक्तियों का जन्म हुए सदियों हो गए, लेकिन इस तरह की उक्ति आज के लिए भी प्रासंगिक है। और आज का समय ऐसा हो गया है, हम अपनी संतानों की हरकतों से, अपनी संतानों के व्यवहार से हम सब भली भांति परिचित है, जिसे हम लोग पीढ़ियों का अंतर, जेनरेशन का गैप आदि कहते हैं। विश्वास एक तरह से एक दूसरे के प्रति नहीं रह गया है, इसलिए प्रायः माता पिता गार्जियन कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की संतान से अच्छा तो हम निसंतान ही भले होते हैं। और एक उक्ति आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जमातिया लोकोक्तियों में एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है, जो समुदाय को जोड़कर रखती है और समुदाय की संरचना में उसकी बहुत भूमिका रहती है। वह है कने थांसा अंके गौरजुंग मुरै सामंग तांगमान। कहने का आशय यह है कि अगर दो लोगों का मन एक हो तो गर्जुं पेड़ को भी हम मिलकर काट सकते हैं।
जमा के लोगों की मान्यता यह है कि गर्जुम नामक पेड़ जो है दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ होता है और सबसे टिकाऊ भी, जिसे आम मनुष्य काट नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। पर जमाते लोगों की मान्यता है कि अगर दो लोगों का मन एक हो या दो लोगों का मन एक जैसा काम करने के लिए प्रेरित हो जाए, यानी एकता में बल है, अगर एकता बनी रहे, लोगों के बीच में कोई दुराभाव ना हो, तो गर्जुम जैसे पेड़ को भी काट कर गिरा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस तरह की उक्तियां समाज को मजबूती के साथ बांध कर रखती है और नई पीढ़ी को सिखाने के लिए इस तरह के वाक्य बहुत काम आते हैं। आज हम सभी जानते हैं हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई है। हमारी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाकर औपचारिक शिक्षा उन्हें नहीं मिली है, फिर भी जीवन अनुभव के माध्यम से उन्होंने जिन लोकोक्तियों को गढ़ा है, समय की थपेरों ने उन्हें जिन उक्तियों को गढ़ने के लिए मजबूर किया है और जिसके माध्यम से वे अपनी जेनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते आ रहे हैं, वे कम से कम आज के ग्रंथों में तो नहीं मिलते हैं। बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कई सारी चीजों का अगड़ा पिछड़ा हम लोग गिन लेंगे, पर इन उक्तियों में जो जीवन मूल्य छिपे हुए हैं, इन उक्तियों में जो किसी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मूल्य संरक्षित है, मुझे लगता है कम से कम आज की नई किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इन उक्तियों से, इन संस्कृतियों से, इन परंपराओं से हम सभी का जुड़ना बहुत जरूरी है, खासतौर से हम जैसी नई पीढ़ियों के लिए इन सबको जानना बहुत जरूरी है, जिसे हमें वरदान, आशीर्वाद के रूप में हमें हमारे बुजुर्गों ने सौंपा है। इनका मान करें, इनका संरक्षण करें, इनके प्रति श्रद्धा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को फिर से आभार व्यक्त करते हुए और डिमोरिया कॉलेज की आयोजन समिति के सभी सदस्यों को आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत हम भाई धन्यवाद। यशोधरा जी, मंच अब मैं आपको सौंपती हूँ। जी मैम, आपके बहुमूल्य समय और जमातिया लोकोक्तियों द्वारा त्रिपुरी जनजाति से हमें परिचित कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले सत्र को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो ये आखिरी सत्र होगा उसके अंत में, उसके मतलब 5 मिनट पहले ही आप लोगों को चैट बॉक्स पर लिंक दे दिया जाएगा, फीडबैक लिंक। आप प्लीज उसको फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट की सुविधा हो जाए। और कल जिन्होंने फीडबैक लिंक भरा था उनसे भी विनम्र विनती है कि आज फिर से फीडबैक लिंक दे, क्योंकि कल थोड़ी सी असुविधा हो गई थी सर्टिफिकेट के लिए, तो आज आप लोग फिर से उसको भरिए और आपको सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो आइए तीसरे सत्र को शुरू किया जाए। तीसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रीतामणि वैश्य जी करेंगी। डॉक्टर रीतामणि जी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है। उनकी लेखनी, शोध, आलेख आदि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित है। इन्होंने अनुवाद में काफी कार्य किया है। 2016 में चीन के कुनमिंग शहर में स्थित यूनान मिंजो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन्होंने भाषण दिया है। आपकी पुस्तक लोहित किनारे के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 1,00,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। मैम, आपसे अनुरोध है कि इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए इसे शुरू कीजिए। नमस्कार,
हाँ रीटा मैम जी आवाज आ रही है मेरी? जी मैम ओके। तो धन्यवाद जशोधरा, डीमरिया महाविद्यालय के अध्यक्ष सम्मानीय विमान भट्ट जी सहित पूरी टीम, और आपका ये प्रयास एक राष्ट्रीय वेबिनार वो भी कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत विषय पर, और ये सफल होने जा रहा है कुछ मिनटों की अभी बात है। तो आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अधिक समय इसमें लगाना नहीं चाहूंगी क्योंकि हम काफी पीछे चल रहे हैं। इस सत्र में कुल 7 पत्र होंगे और सभी पत्रवाचकों से आग्रह है कि जैसे हमें बताया गया है कि वे 5 मिनट के भीतर, सर्वाधिक 5 मिनट के भीतर अपने पत्र के मिल बिंदुओं को यहाँ प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गीतिका शैकिया जी को, जो असम की विविध कलाओं में मूंगा का उत्पाद विषय पर अपना पत्र प्रस्तुत करेंगी। गीतिका शैकिया जी जी मैम जी शुरू कीजिए। सम्मानीय दिमोरिया महाविद्यालय के आयोजक मंडली, सम्मानीय तृतीय सत्र के अध्यक्ष महोदय तथा इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मैं असम विश्वविद्यालय सिलचर में शोधार्थी हूँ। मेरा विषय है असम में मूंगा रेशम के उत्पाद। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है और इसमें असम का बहुत ही बड़ा योगदान है। असम के ऊपरी भाग में लखीमपुर, धेमाजी आदि जिलों में, या फिर निचली भाग जैसे हुआलकुची, इन क्षेत्रों में असमिया मूंगा वस्त्र का ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। यह रेशम की उत्पादन कृषि आधारित है। इसका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में कीटों का पालन पोषण किया जाता है। रेशम की जो धागा होती है वो कीटों के कोष से प्राप्त होता है। कीटों के आहार के लिए सोम तथा सोलू पौधों की पत्ते को कीटों को खिलाया जाता है। कोसों से धागा निकालना और उससे मूंगा रेशम वस्त्र की उत्पादन करना, यह एक यह सारी चीजें इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और यह प्राकृतिक रूप से असम में ही ज्यादा संभव है, क्योंकि यह अन्य राज्यों में ज्यादा उपलब्ध नहीं है। रेशम के उत्पादन में हमारे असम में गांवों में महिलाओं के लिए यह एक आर्थिक रूप से मतलब देश के योगदान में भी यह महिलाएं बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि ये अपने हाथों से यह वस्त्र बुनकर व्यवसाय के लिए मतलब आगे जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है और यह देश के लिए एक मतलब बहुत बड़ी योगदान है। असमिया समाज में महिलाओं के लिए यह मूंगा रेशमी वस्त्र भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ये बिहू नृत्य में भी पहनी जाती है और असमिया महिलाएं किसी खास मौके पर भी यह वस्त्र धारण करती है। मैं अपने बिहू नामों में प्रचलित दो मतलब गीतों को मैं मतलब गुनगुनाना चाहती हूँ। हमारी लोकगीत है जिसमें मूंगा शब्द का प्रयोग किया गया है। पोती कोई से ने खोर मूंगा रे मुहोरा, ओए तातो कोई से ने होरो इमाको, ओए तातो कोई से ने होर ये बहागोर बिहू
ইধুলর মাথুনিলো ককাইতি পেপারে মাথুনিলো মুগারে হাসতি দিলো ই আসরি বাঁধিলো হরু খুপাতি কোপ ফুল গগনা মই গুজিলো ই বুজুয়া ধুলেতি ও ককাইতি গিরি পনিত রাখি যাও গিরি পনিত রাখি যাও সেও। इसी गीत को गाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और दिमोरिया महाविद्यालय के आयोजक मंडली का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यह अपना वक्तव्य रखने के लिए उन्होंने अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका शैकिया जी। आपका जो विषय रहा असम की विविध कलाओं में मूंगा का उत्पाद, शायद अगर ऐसा होता कि असम का मूंगा शिल्प इस तरह से होता, मेरे ख्याल से कला से ये शिल्प शब्द बेहतर होता। और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बिहू गीत भी हमको सुनाया। यह बहुत बड़ी बात है कि पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ देश के कोने कोने से इस वेब गोष्ठी में लोग जुड़े हुए हैं और आपने बिहू गीत का आनंद दिया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सुनीता स्वर्गियारी को बुलाना चाहूंगी, जिनका विषय है पूर्वोत्तर भारत असम के विविध लोकोत्सव। सुनीता जी सुनीता स्वर्गियारी जी आप हैं? सुनीता स्वर्गियारी आप हैं? संयोजक महोदय अगर सुनीता जी नहीं है तो हम अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुनीता जी तो है नहीं। थैंक यू सर। तो अगला पेपर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी ममता प्रजापति जी, इनका विषय है हिंदी भक्ति साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के महान पुरुष का योगदान। हिंदी भक्ति साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के महान पुरुष का योगदान विषय को प्रस्तुत करने आ रही है ममता प्रजापति जी। ममता जी। जी मैम। आप शुरू करें और 5 मिनट के भीतर अपनी बातें रखें। नमस्कार, मेरा नाम ममता कुमारी प्रजापति। यहाँ पे मुझे जितने भी महोदय हैं सदस्य, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं ममता कुमारी प्रजापति होटल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग स्नातकोत्तर के द्वितीय सेमिस्टर की विद्यार्थी हूँ। मेरा विषय है पूर्वोत्तर भारत हिंदी भक्ति साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के महान पुरुषों का योगदान। जैसा की मेरा विषय है, इस वजह से मैंने अपने को 3 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहा है। पहले मैं हिंदी भक्ति साहित्य के बारे में आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करूंगी, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के साहित्य से आपको अवगत कराऊंगी और तीसरा उसमें महापुरुषों का योगदान के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि हिंदी भक्ति साहित्य मध्य काल से ही, ममता जी आप सीधे मूल बात पर आ जाइए, इतना समय नहीं होगा आपके पास। ठीक है जी। पूर्वोत्तर भारत जिसे भात बहनों का राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी जानते हैं, और इसमें जो 7 राज्य है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय आदि, ये जो उत्तर पूर्वोत्तर भारत है, ये साहित्य के क्षेत्र में अन्य जितने भी राज्य है उनसे कुछ भिन्न प्रकार के अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। मैं समय की पाबंदी के वजह से मैं ज्यादा नहीं पर कुछ इन राज्यों के कुछ साहित्य के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मणिपुर जिसे मनियों का राज्य के नाम से सभी कोई जानता है, यहाँ कोई मनियों का खेत नहीं है परंतु यहाँ की खूबसूरती को देखकर ही इसे मनियों का राज्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसे राजाओं का राज्य के रूप में मतलब कहा है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरे साल कुछ ना कुछ त्योहार मनाए ही जाते हैं। ममता जी आपका विषय है हिंदी भक्ति साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के महान पुरुषों का योगदान, तो आप किनके बारे में कहना चाह रही है? हिंदी भक्ति साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के महान पुरुष किनके बारे में कहना चाह रही है?
श्रीमंत शंकर देव और माधव देव जी के, ये हिंदी भक्ति साहित्य नहीं होगा, ठीक है, भारतीय भक्ति साहित्य में शंकर देव और माधव देव का योगदान ऐसा होगा, क्योंकि इनका जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये असमिया साहित्य के अंतर्गत आता है। और दोनों की जो रचनाएं हैं उनमें से अंकिया नाट और बरगीत की जो भाषा है उसे ब्रजबोली या ब्रजावली कहते हैं। तो सीधे आप शंकरदेव और माधवदेव की जो देन रही है भारतीय भक्ति साहित्य में उस बिंदु पर आ गए। किसी एक के जीवन के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का जीवन एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। श्रीमंत शंकर देव ने असम में नव विष्णु धर्म का, जैसे कि जानते कि भक्ति का जो आंदोलन था वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूपों से अलग अलग तरह से मतलब शुरू हुआ था, जिस वजह से असम में भी इसका नव विष्णु धर्म के प्रचार के रूप में इसका आगमन हुआ। इसका शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की जातियां, यहाँ के जो असम के राज्य थे, यहाँ के जो लोग थे, उसमें विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का यहाँ पे प्रचलन हो चुका था, जिसके वजह से यहाँ के जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी और उनके शिष्य माधव देव जी ने अपना योगदान दिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे रचनाएं रचे, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो लोक साहित्य लोक भाषा ही जानते थे, जिसके वजह से यहाँ उन्होंने अपनी रचना लोक साहित्य में और लोक भाषा में ही किया है, जिससे यहाँ के लोग उस साहित्य को पढ़े और उससे प्रभावित होकर अपनी जो अंधविश्वास, जितनी सामाजिक रूढ़ियां फैली हुई थी उसके बारे में अपने सोच विचार फिर से बोलना चाहूंगी। एक आप काम कीजिए, शंकरदेव और माधवदेव की जो रचनाएं है ना उनका नामोल्लेख कर दीजिए, हो जाएगा, क्या क्या लिखे इन दोनों ने ये बता दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। शंकर जी और माधव जी जी ने दोनों रत्नावली, भक्त रत्नावली, बड़गीत, कीर्तन घोषा, नाम घोषा और कीर्तन घोषा, नाम घोषा आदि रचनाएं की। मैं कीर्तन घोषा की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ, एक मिनट के अंदर समाप्त करो। हाँ ठीक है। मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन परशुराम हरि राम बराह श्री कृष्ण बुद्ध कल की नामे दश आकृत धरि श्री कृष्ण तयु पारे कहो प्रणाम। क्या पंक्तियां क्या थी, पंक्तियां कौन सी थी? मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन परशुराम हरि राम बराह श्री कृष्ण बुद्ध कल की नामे दश हरि राम बराह श्री राम, श्री कृष्ण ने श्री राम, फिर बुद्ध कल्कि नामे दश आकृति धरिषा कृष्ण तयो पारे करो हो प्रणाम। ठीक है थैंक यू ममता जी। आप स्नातकोत्तर कक्षा में हैं, आप बहुत अच्छा प्रयास रहा, सबके सामने आपने प्रस्तुति देने का प्रयास किया, आपका प्रयास सराहनीय है, आगे भी हम मिलते रहेंगे, ये प्रयास आप जारी रखिएगा। मैम जी, नाम माधव जी की रचना है क्या? कौन सी नाम घुसा जो बोले शंकर की रचना है? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने एक साथ कहा, ये स्नातकोत्तर छात्रा है ना, स्नातकोत्तर कक्षा की छात्रा, इसने प्रयास किया है, शंकरदेव और माधवदेव दोनों की रचनाओं को इन्होंने एक साथ कह दिया है, मैंने ध्यान दिया। नाम घुसा माधवदेव की रचना है, शंकरदेव की निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन जो प्रयास किया वो सराहनीय रहा, ठीक है, इसलिए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस विषय में। थैंक यू। अगला जो है, अगला पत्र जो है पूर्वी कलिता जी का है, इनका विषय है श्रीमद शंकरदेव और मुखौटा कला। पूर्वी जी है जी मैम, हाँ 5 मिनट के अंदर कोशिश कीजिएगा कि बात को समाप्त किया जाए। नमस्कार, यहाँ उपस्थित गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पूर्वी कलिता, शोधार्थी असम विश्वविद्यालय सिलचर। मेरा शोध का विषय है श्रीमंत शंकरदेव और मुखौटा कला। मध्यकालीन भक्त शिरोमणि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव संपूर्ण उत्तर पूर्वांचल में भक्ति आंदोलन के नारों को प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप लोग जानते हैं कि महापुरुष शंकरदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, समाज संस्कारक, धर्म प्रचारक, साहित्यकार, गायक, नृत्य विचारक। सिर्फ वे ही नहीं, समाज जीवन का एक भी वैसा क्षेत्र नहीं रहा जहाँ उनकी दृष्टि नहीं गई।
एक संपूर्ण मानव के रूप में आप आए सौ दिशाओं में विरल साप सुनकर चले गए। श्रीमद शंकरदेव ने धर्म के प्रति आकर्षित लोगों के मन में भक्ति भावना तथा आनंद प्रदान करने के लिए नाट्य कला का जन्म दिया था। अपने नाटकों में विभिन्न पौराणिक चरित्रों के अभिनय को सजीव रूप देने के लिए उन्होंने मुखौटा कला का भी सृजन किया था। मुखौटे मनुष्य की कल्पना एवं सृजनात्मक के उत्कृष्ट नमूने हैं। यह अभिनेता को वह आवश्यक दूरी एवं सिपाप देते हैं जिसके बिना किसी विशेष बात की अभिव्यक्ति असंभव होती है। गुरु चरित्र के अनुसार श्रीमंत शंकरदेव का पहला नाटक सिंह यात्रा में मुखौटा का व्यवहार हुआ था। मुखौटों को बनाने के लिए प्राय स्थानीय अति साधारण सामग्री को माध्यम बनाया जाता है। यह सामग्री इस प्रकार है, बांस, पेड़, गोबर, मिट्टी और कपड़ा। मुखौटा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे बांस को 6 से 7 दिनों के लिए पानी में भिगो कर रखा जाता है। ऐसा करने में बांस में लचीलापन आता है और साथ ही बांस के टुकड़ों को कीटों के हमले में बसाया जाता है। उसके बाद बांस को आवश्यकता अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है। पतले और नसले टुकड़ों की सहायता से मुखौटे के प्रारंभिक ढांचे को तैयार किया जाता है। यहाँ प्रत्येक जोर पर बेत की सहायता से ढांचे का गठित किया जाता है। मूल कंकाल तैयार होने के बाद इस वर्ष के कपड़े को गीली और सिकनी मिट्टी में भिगो कर चिपकाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर गोबर और मिट्टी की दूसरी परत चढ़ाई जाती है। मुखौटा सूखने के बाद मुखौटे को उसके उसका वास्तविक रूप दिया जाता है। कलाकार मुखौटे में नाक, कान, आंख, मुख, खुकुटी, मूंछें, दांत आदि का निर्माण करता है और साथ साथ मुखौटे का चरित्र निर्धारण करता है। शारीरिक विशेषताओं के अनुरूप मुखौटे को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। पहले मुखौटों के रूपसज्जा के लिए प्राकृतिक रंगों जैसे परंपरागत जातियों हैंगुल, हाइटल, नील और ढल या सफेद मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब प्राकृतिक संसाधनों का कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में अधिकांश कृत्रिम रंगों का उपयोग ही मुखौटे के निर्माण में किया जाता है। मुखौटे मुख्य रूप से 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, सु मुखौटा, लुटुकाई मुखौटा और मुख मुखौटा। सुमुखौटा सर्वसाधारण से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रावण, कुंभकर्ण, बाण राजा, नरकासुर, नरसिंह आदि चरित्रों के लिए इस प्रकार का मुखौटा बनाया जाता है। लुटुका मुखौटा सुमुखौटा से छोटा होता है। पुतना राक्षसी, तारका, यक्ष, शंखासुर, गरुड़, जटायु, अघासुर आदि चरित्रों में इस प्रकार के मुखौटा का व्यवहार किया जाता है। मुख मुखौटा में सिर्फ चेहरे को ढकते हैं। हनुमान, बाली, सीता, मारी, सुबाहु, कंस आदि चरित्रों में इस प्रकार के मुखौटा का व्यवहार किया जाता है। सत्र और माजुली, ये दो सत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। असम में माजुली ही ऐसा जगह है जहाँ नववैष्णव धर्म के कला संस्कृति सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए उस समय के धर्मगुरु तथा धर्म के प्रति आस्था रखने वाला अहोम राजाओं भी माजुली में सत्र स्थापन करने के लिए उत्साहित हुआ था। मुखौटा कला के क्षेत्र में माजुली का सामग्री सत्र विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री श्री एलेंगी नरसिंह सत्र, नतुन कमलाबाड़ी सत्र, बिहिमपुर सत्र में भी परंपरागत मुखौटा निर्माण का कार्य जारी है। माजुली में निर्मित इन मुखौटों की मांग विदेशों में भी है। सामग्री सत्र सर्वाधिक पुराना सत्र है। इस सत्र के गुरुदेव डॉक्टर हेमचंद गोस्वामी एक प्रतिष्ठित कलाकार है। हेमचंद गोस्वामी प्रभु के निर्देशन में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुखौटा कला प्रदर्शन हुआ है। असमिया कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2017 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने हेमचंद गोस्वामी प्रभु को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 2018 में हेमचंद गोस्वामी प्रभु को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। पिछले कई वर्षों से इस महान कला को जीवित रखने के लिए गुरुदेव हेमचंद गोस्वामी इस कला का प्रशिक्षण सत्र में शिष्यों और देश विदेश के से आने वाले पर्यटकों को भी दे रहे हैं। ये मुखौटे आज पूरे भारतवर्ष की कला संस्कृति के उच्चतम नमूने हैं, क्योंकि इस कला के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता को भी विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। माजुली में निर्मित मुखौटा कला ब्रिटिश संग्रहालय में दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रतिवर्ष विदेशों से यह कला का प्रशिक्षण लेने हेतु पर्यटक भी आते हैं। निष्कर्ष में ही कहना चाहती हूँ कि मुखौटा एक अभिनव शिल्प है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को छिपाकर उसे भिन्न रूप में उपस्थापित कर देता है। असम में श्रीमंत शंकरदेव ने मुखौटा को एक विशेष मर्यादा प्रदान कर उसे एक विशिष्ट कला के रूप में प्रतिस्थापित किया।
चिन्ह यात्रा नाटक के जरिए गुरुदेव ने पहली बार कला के क्षेत्र में मुकुटे का प्रयोग किया था। समय की मांग को ध्यान में रखकर किया गया इस प्रयास से सत्र संस्कृति सत्र के आध्यात्मिक पहलू तथा मुकुटा कला को आज विश्व दरबार में स्वीकृति मिली। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी कलिता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना पत्र प्रस्तुत किया, श्रीमंत शंकरदेव और मुकुटा कला। हम तो यहाँ जानते हैं लेकिन असम के बाहर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मुकुटा कला किस प्रकार से यहाँ उपयोग में आती है और किस प्रकार से भावना या अंकिया नाट जिसको खेला जाने से भावना कहा जाता है इस प्रकार से उसका उपयोग होता है और ये जो नट रूप दिया जाता है अंकिया नाट को कितना सुंदर बन पड़ता है। ये अच्छी बात है कि इस विषय पर हमारे शोधार्थियों और पाठकों की दृष्टि पड़ी है और इस पर काम होने लगा है, तो एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपनी प्रस्तुति रखी, आपको धन्यवाद। अगले वक्ता है जो प्रस्तुत करेंगे असमिया समाज में बिहू और जाति शीर्षक विषय पर अपना शोध पत्र, वह है सिद्दीकुर रहमान। सिद्दीकुर रहमान जी आप होंगे शायद? जी जी मैम जी, आप अपने विषय को 5 मिनट के अंदर समेटने का प्रयास कीजिए, असमिया समाज में बिहू और जापी। मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है असमिया समाज में बिहू और जापी। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न जाति जनगोष्ठी का मिलन क्षेत्र रहा, रंग स्थल रहा है। यहाँ पर असमिया, बोरो, नौगा, राभा, लालुंग, तिवा, कसारी, मनपा, भूटिया आदि विभिन्न जनगोष्ठी, जाति जनगोष्ठी के लोग एक जात मिलजुल कर रहते हैं। इस देश को अजान पीर का शंकर अजान के देश के नाम से भी जाना जाता है। शंकर देव ने एक मंत्र, एक देव एक ह्यो एक बिने नायक्यो, इस मंत्र से सभी को बांध के रखा हुआ है। तो इन सभी में से असमिया जाति, असम की असमिया जाति विख्यात है। असमिया समाज में विभिन्न पूजा पाताल, नाटक, रंगमंच आदि का आयोजन होते हैं और असमिया लोगों में उस समय विभिन्न आभूषण जैसे मुगा सादर, एरी सादर, दुगदुगी, जूनबिरी, गामखारू, ढूलबिरी ये सब पहना करते हैं। उसी प्रकार असमिया संस्कृति से जुड़ा हुआ है एक विशेष असमिया समाज के इस विशेष अंग के स्वरूप समान कह सकते हैं, उसे कहा जाता है जापी, उसे हम लोग जापी के नाम से जाने जाते हैं। तो जापी को असमिया संस्कृति के बाहक, असमिया जाति और संस्कृति की एक विशेष प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो पहले जमाने में जापी टोपी की तरह दिखता था, समय अनुसार उसका आकार, रंग, उसको सजाने सवरने का जो सामग्रियां है वो भी बदलती गई। पहले जमाने में बांस, बेत, पेड़ का पत्ता आदि से जापी तैयार किया जाता था, जंतु की खाल और पेड़ के पत्ते आदि से भी जापी तैयार किया जाता था। खासकर जापी जो पेड़ के टोको का पेड़ है, टोको का पेड़ के पत्ते से बनाया जाता है, बहुत सुंदर होता है। अगर रूपसज्जा की ओर देखा जाए तो रूपसज्जा की दृष्टि से जापी दो प्रकार के मिलते हैं, एक होता है फुलाम जापी, दूसरा है उका जापी। तो जापी को पहले जमाने से ही भेंट के रूप में देते आए हुए हैं। जब सीनी परिप्राजक ह्यूएन संग को कामरूप आए थे तो वहां के राजा उस समय भास्कर वर्मा ने हलीली नामक एक जापी उनको उपहार दिया था। इसके बाद सन 1952 में चुतिया राजा नीतिपाल ने अहोमों के राजा चुहुंगमुंग के साथ समझौता करते समय चांदी से बने एक जापी उन्हें भेंट में दिया था। हाथारी बुरंजी के अनुसार अहोम राजाओं ने बोसुवाल, टोंगाली और टकोपतिया जापी भूया लोगों को लेते हुए देखकर ही पहनना शुरू कर दिया था।
जापी असम के लोक कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापी असम में सभी जाति धर्म के स्त्री पुरुष पहनकर गर्व महसूस करते हैं। ताय आहुम लोगों के बिहू के सातवें दिन आयोजित सेंगनांग बिहू के चकलंग नाम से एक अदरा नृत्य होता है। उस नृत्य की नर्तकी अपने पसंदानुसार अपना पति निर्वासित करते करके सभी के सामने होरोदया जापी से स्वागत कर नृत्य करती है और उनका समाज में विवाह संपन्न करा दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ताय आहुम समाज में जो समाज की नारियां है, एक जमाने में होरोदया जापी अपने शीर पर धारण करती थी। नौकरों को अपने मालिक के सामने आने जाने हेतु बरदोया या टूपतिया गुलाम जापी जमीन से थोड़ा ऊपर आर करके चलना पड़ता था। आसुम लोगों ने असम पर 600 वर्ष राजत्व किया तो आसुम राजत्व काल में दरबारीगण अपने मर्यादा अनुसार विशेष जापे पहना करते थे। बुरा गुहाय, बौर गुहाय और बौरपात्र गुहाय लोग सोने से निर्मित पानी जापी और टूपी जाते पहना करते थे। उनकी पत्नियां पहना करती थी सोने से निर्मित होइया जापी। इसी तरह बर बरुआ और बरफुकन लोग परिधान करते थे कुशिया जापी, कुशिया बर जापी, चांदी से निर्मित पानी जापी या उका जापी। ये सब इतिहास में लिपिबद्ध नहीं है। साधारणतः बिहुआ बिहुवती द्वारा गाए जाने वाला मौखिक बिहु गीतियों में इसका उल्लेख मिलता है। मोइनु जाओगोय उजोनी राज्यलोय तुमालोय आनिमनु की, तुमालोय आनिमे होरुदया जापी टूपत रूपर सुलादी। जब पहले जमाने में राजा लोग बाहर घूमने के लिए जाते थे तो उनको जो लोगवा लिखते थे तो उन लोगों को राजा के ऊपर छाती जो जापी है उसको छाती के तरह लेकर चलना पड़ता था। तो अभी भी वर्तमान समय में शादी का पानी उठाना, श्राद्ध के में पिंड दान करना, भक्त सेवा, गीता भागवत पाठ, सत्यनारायण पाठ आदि अनुष्ठित करते समय एक लकड़ी जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर बौर जापी रख कर उसके नीचे माह नैवेद्य आदि रखने का विधान है। उस जमाने में शिरोनाश्र स्वरूप व्यवहार किया जाने वाला जापी का स्थान बहुत ऊंचा था। नामघर या देवता के विग्रह के सम्मुख होकर जाने पर शीर से जापी उतार कर जाने का नियम था। तो बरदोया जापी एक जमाने में जो संभ्रांत नारिया थी तथा भद्र महिला के मुकुट चरप थी। विशेषकर आसुम राजत्व काल में बरदोया, होरुदया, टूपदिया आदि भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से सजी हुई जापी। सिद्धि गुरु जी, आप बात को समाप्त कीजिए, एक मिनट के अंदर। दो मिनट, एक मिनट। तो वो लोग पहना करते थे। तो असमय समाज में जापी को लेकर एक बात प्रचलित एक प्रवर्सन है, जापिया टूपिया होरो घोइनी गुपिये ढेकियर थुराय बौर घोइनी खुराय। तो जापी का व्यवहार असमिया बिहोगीतों में बहम है। मैं उसका एक गीत पाके सुनाकर मैं आप लोगों से मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा। तुमालोय आनिसु होरुदया जापीटी, अमालोय आनिसा की, आनिसु गगना धने बनाई दिया माजत बाली संदा दी। और एक है, इसको मैं समाप्त करता हूँ। आसे जदि कपालत घूरी फुरीम शहरत दुयो हातत धरा धरी कोई, नाय जदि कपालत खेती करीम पथारत मूरते भंगा जापी लई। विषय आखिर में कहना चाहता हूं मैं एक बात, असमिया जीवन में बिहू और जापी का बहुत ही महत्व है। गुलाम जापी वर्तमान समय में असम के संस्कृति और सम्मान के एक प्रतीक के रूप में मान्य है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं तो सिद्दीकुर रहमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही रोचक विषय पर अपनी प्रस्तुति रखी, असमिया समाज में बिहू और जापी। और मूलतः मुझे लगा असमिया समाज में जापी विषय पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहा, बिहू भी प्रसंगानुसार आया है। जो भी हो, एक कुछ नए तथ्यों के साथ एक रोचक विषय को आपने सबके सामने रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता होंगे हमारे बीच पिंकी चौधरी जी, जिनका विषय है गणेश गगोई और उनके काव्यों में जीवन का मोह। पिंकी जी,
पिंकी चौधरी, गणेश गोगोई और उनके काइपो में जीवन का मोह। प्रिंसिपल सर, पिंकी चौधरी है कि नहीं एक बार बताइए हमें, चेक कीजिए। पिंकी कुमारी चौधरी है ना? हाँ पिंकी जी। यस मैम। आप अपने विषय को प्रस्तुत कीजिए और 5 मिनट के अंदर समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं पिंकी कुमारी चौधरी, मेरा विषय है गणेश गोगोई और उनके काव्य में जीवन की मोह। तो गणेश गोगोई जो थे असमिया साहित्य जगत के रोमांटिक कवियों में से अन्यतम होने के साथ साथ वे एक सुरकार, नाट्यकार, अभिनेता और फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। 1934 में प्रकाशित पापुरी नामक काव्य ग्रंथ ने ही असमिया में रोमांटिक कविता की धारा को प्रभावित कर दिया था। इसी किताब के परिप्रेक्ष्य में ही उन्हें पापुरी कवि की उपाधि प्रदान की गई। गणेश गोगोई जी का जन्म जो हुआ था 1907 के 28 दिसंबर में जोरहाट में हुआ था और वे ऐसे ही एक ग्रेजुएट व्यक्ति थे जो अभिरत लखीमपुर के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे। कॉलेज में पढ़ते समय जोरहाट टोडाली सभा द्वारा हस्तलिखित आलोचनी का संपादन भी उन्होंने ही किया था। परम सुख की बात यह है कि ये टोडाली सभा आज भी जीवित है और अपना काम कर रहा है। संगीत के जगत में भी पांव रखने वाले गणेश गोगोई की कालजयी गीत, बाही, आवाहन, घर ज्योति, दैनिक बातोरी, 9 जून आदि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और बाद में उन सबका संग्रह रूप ज्योति नाम से किताब के आकार में प्रकाशित भी हुआ। बकुल बन के कवि आनंद चंद्र बरुआ के परम मित्र थे गणेश गोगोई जी। और जब गणेश गोगोई से बकुल बन के जो कवि थे आनंद चंद्र, वो जब बिछड़ जाते हैं तो उन्हीं के बिछड़ने के बाद आनंद चंद्र बरुआ ने गागोरी पोरिमल नामक कविता में गोगोई जी के बारे में बताया था। চকুত আছিল সোণ সপোনৰ ধন, বুকুত আছিল সোণ প্ৰেমৰ কিৰণ, হাতত আছিল সোণ স্নেহৰ, সোণেই গঢ়িছিলো সোণৰ জীৱন, ইমান সোণেৰে ভৰা বাটত আমাৰ ৰূপালী বলিচা পাৰি দিছিল সোণে, ফৰিং উফৰি ফুটা সেই সপোনৰ, যাৱতি যুগীয়া স্মৃতি পাহৰিব কোনে, কোন হিতি দেৱদূত কবিতাক লৈ আহিছিল খন্তেকৰ তেজ খাবলৈ, জননীর চরণত প্রাণর হাগর হিসি, মনে মনে কাহানি বা গুছি গা গুছি গলে গল গে। তিস্তানা গণেশ গোগোই যে থে প্রেম কে কবি কে রূপ মে গণেশ গোগোই কে বিখ্যাত থে, পাপুরি কবি কে নাম সে ভি প্রসিদ্ধ হে। প্রেম কে কবিতা কে আলাবা গোগোই জি নে কবিতায় রচনা কি থি, উনে আদর্শ কবিতা নাম ভি দিয়া গয়া থা। ইন সভি মে উনকে জাতীয় প্রেম অর সমাজ সংস্কারী মন কা পরিচয় মিলতা হে। हो गया पिंकी जी। ये मैं थोड़ा सा विश्वव्याप सौंदर्य प्रतिम कवियों के लिए दो एक कविताएं सुना दीजिए, हो जाएगा। जिन कविताओं में जीवन का मोह प्रतिफलित होता है ऐसी कुछ पंक्तियां हमको सुना दीजिएगा। एवन के चरम शिखर पर रहते समय कभी इसी सेवा में आत्मनियोग करने की चेष्टा की थी जो विफलता में दिखाई देता है। सुखवे विसारे मूल अपरूप रूपरेखा, प्राणी विसारे मूल जीवन और मोह, बुकवे अपुन भूरे विसारे पूरे, मोहना स्नेह और कुमुलिया को। इसके बाद जीवन के दूसरे छोर में प्रेम में विफल होने के बाद उनके मन से विरह की व्याकुलता थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका मन अंत सलीला फाल्गु की तरह धीरे धीरे उनके प्राण में बह रहा था, जो पापुरी में देखने को मिलता है। सुखर नहय दुखर नहय प्रेम भरा सकुल व्यथा और वेदना एक कठिन परिस्थिति है। हेलो पिंकी जी, ओके हो गया आपका, हो गया होगा ठीक है। अच्छा, एक गणेश गोगोई जो है असमिया साहित्य के बड़े ही समादृत और प्रसिद्ध कवि रहे हैं और असमिया पाठकों के अति प्रिय कवि रहे हैं और अपने एक अति ही सुंदर विषय को इस पत्र का विषय बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार। तो अगले पत्र को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच होंगे डॉक्टर तास्मीना हुसैन जी, जिनका विषय है अरुणाचल का गालो समाज इतिहास के आईने में। डिमरिया महाविद्यालय के आयोजक मंडली, अध्यक्ष महोदया एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मैडम, विषय बहुत गंभीर और बहुत बड़ा, सुदृढ़ कहिए, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो समय की सीमा आपने बांध दी है, तो मैं आज के जो मेरी प्रस्तुति है, मेरा विषय होगा अरुणाचल का गालो समाज जो इतिहास के आईने में। तो मैं अपना बात यहाँ से शुरू करूं कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में सहायक प्रोफेसर के पद पर अभी पदस्थ हूँ, और हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान में पूर्वोत्तर के प्रायः सभी राज्यों से भरपूर संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी बीएड और एमएड के कोर्स करने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ पर जो पाठ्यक्रम भी संचालित हैं, तृतीय वर्ष नागालैंड के विद्यार्थी भी हैं, तो उन सबके बीच में रहकर मुझे भी ऐसा अनुभव होता है कि मैंने भी बच्चों से जाने अनजाने में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि कई बार हम बच्चों को बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति सबसे अनूठी होती है, और विद्यार्थी सालाना सांस्कृतिक प्रोग्राम में या हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों में जो अपनी प्रस्तुति देते हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्र होने के बाद भी उनकी इतनी अच्छी हिंदी होती है कि हम बिल्कुल ये कहिए नतमस्तक से हो जाते हैं कि वो इतनी अच्छी तो बोल रहे हैं। तो हमें हम उनसे बहुत लगाव भी रखते हैं, तो उसी पर आधारित कुछ विद्यार्थी जो हमारे अंडर में लघु शोध कर चुके हैं, तो उन्हीं के अंडर में एक गालो समाज की लड़की थी, तो मैंने उनसे बीच बीच में बहुत, क्योंकि मैं कई साल विद्यार्थियों की 11.5 साल वार्डन भी रह चुकी हूँ, तो इस अनुसार मुझे उनके इसमें ये पता चला कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो वैसे तो अपनी प्राकृतिक सूक्ष्मता और भाषाई विविधता, सामाजिक समरसता के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो संपर्क भाषा उसकी हिंदी है, और एक नवीन रूप जो अरुणाचली हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है अब वो साहित्यिक अभिव्यक्ति भी ले चुकी है। तो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाली विभिन्न जनजातियों की जो लोक संस्कृति जीवन के विविध रंगों को दर्शाती है, वहाँ की विविध जनजातियों का रंग रूप, जीवन, भाषा शैली, साहित्य, शिल्प और उनकी सामाजिक संरचना शेष भारत से भिन्न है। उनके विश्वास, मूल्य, परंपराएं भारत के मुख्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग हैं। लोक संस्कृति लोक मानस की वह अभिव्यक्ति होती है जिसमें लोक परंपरा के जीवन तत्व अपनी विविध भंगिमाओं के साथ दिखाई देते हैं। लोक संस्कृति की धरोहर का आधार होता है उनकी वाचिक परंपरा से हस्तांतरित होता हुआ लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक गीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक सुभाषित और पारंपरिक नृत्य संगीत। तो जो विद्यार्थी वहां से हमारे यहाँ आते हैं, तो उनकी नृत्य संगीत, उनके बोलने के लहजे से ही हम लोग बहुत आनंदित होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, बहुत पढ़ाकू किस्म के भी होते हैं, हम लोग उनसे जब बातचीत करते हैं तब तो ऐसा पता चलता है कि जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से आप पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल राज्य है, जो अपनी भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो गालो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है और यह काफी प्रसिद्ध भी है। यहाँ के गांव के स्थानों का चुनाव जो है सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ जो उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संपदा और झरनों, नदियों, पशु पक्षियों और उगने वाले सब्जियों की सुविधाओं को देखकर किया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिले में तथा ऊपरी सुबनसिरी तथा असम की सीमावर्ती तराई में इनका मुख्य निवास स्थान होता है, और गाँव के नाम स्थानीय विशेषताओं, झरने, पहाड़ आदि पर आधारित होते हैं। इनका जो मुख्य भोजन होता है वो चावल और ओप्पो है। ओप्पो चावल की मदिरा को कहते हैं, और यह अतिथि सत्कार का सबसे प्रमुख साधन माना गया है। आपका कोई भी
त्योहार हो, तीज हो, गृह निर्माण हो, खेती की तैयारी या विवाह आदि में ओपो का प्रयोग निश्चित रूप से होता है और ये उनके सामाजिक कार्यों का प्रमुख अंग भी है। और गालो जातियों में विवाह की कई प्रणालियां भी हैं। लाम्पो जिसे हम मध्यस्थ कहते हैं, मीडिएटर, उसको लेकर बात तय हो जाने पर वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को मांस मछली चावल की मदिरा भेंट स्वरूप दी जाती है और स्वीकृति जब मिल जाती है तब तिब्बती तलवार उनको भेंट के स्वरूप अमानत के रूप में देकर मंगनी उनकी तय कर दी जाती है। और यहाँ पर जीवन साथी चुनने का जो दिया जाता है अवसर, लड़की को पूरी छूट होती है। और यहाँ कई किस्म की खेती होती है, कुछ सीधे स्थानों में, कुछ पहाड़ों को काटकर, तो यहाँ की झूम खेती पर बहुत सारे लोग अपना भरण पोषण किए रहते हैं, जिसमें खेतों में केला, अनानास, अमरूद, संतरा, नाशपति, गन्ना भी उगाए जाते हैं और पानी खेती को अधिक वरीयता दी जाती है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भाषाई विविधता है वह बड़ा अद्भुत है। एक मोनोलिंग्वल समाज बनने की ओर बढ़ रहे भारतीयों के लिए यह एक प्रेरणा भी है और प्रमाण भी। एक आम अरुणाचली कम से कम 5 भाषाएं, मान लीजिए आप आदि जनजाति से हैं तो उस बच्चे को आदि भाषा, गालो भाषा, असमिया, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान, मिनिमम 5 भाषा उसको आती होगी। और त्रिभाषा सूत्र पर जूझ रहे और केवल अपनी भाषा के साम्राज्यवादी विस्तार के दुराग्रह के साथ जी रहे भारतीयों के लिए अरुणाचल प्रदेश एक मिसाल है। भाषिक विविधता की तरह यहाँ का साहित्यिक परिदृश्य भी बड़ा वैविध्यपूर्ण है और इसमें गालो जनजाति भी आजकल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आधुनिक पीढ़ी हिंदी और अंग्रेजी में सहज महसूस करती है, इसीलिए भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अरुणाचली जनता की भाषा हिंदी है, इनकी भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकने में सबसे समर्थ भाषा निर्विवाद रूप से हिंदी है। उनकी गुणवत्ता, भाषिक विविधता और विषय वैविध्य के लिहाज से यह परिदृश्य अति उत्साहवर्धक है। यह सच है कि आज उनका साहित्यिक आकाश सीमित है पर भविष्य में निश्चित तौर पर अरुणाचली साहित्य नए मुकाम तक पहुंचेगा। तो ये जो भी मैंने अपनी एक छोटी सी बात कही है समय सीमा को देखते हुए, भविष्य में कभी फिर मौका मिलेगा तो आपसे जरूर हम संपर्क करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत सभी का आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तस्मीना हुसैन जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चुना। गालो समाज जो है अरुणाचल प्रदेश में, समाज के विशेषताओं को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को हिंदी के जरिए सबके सामने रखने का सफल प्रयास किया। आपको धन्यवाद और आशा है आगे भी आपसे इस तरह के लेख, इस तरह की चर्चा हमें सुनने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अधिक समय नहीं लूंगी आप सबसे, 2-4 बिंदुओं में अपनी बात को रखना चाहूंगी। ये जो कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत विषय पर डिमोरिया महाविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका श्रेय निश्चित रूप से महाविद्यालय के अध्यक्ष, इस संगोष्ठी के भी अध्यक्ष सम्माननीय विमान भट्ट सर को जाता है। विभाग के अध्यक्ष मोहिनी मोहन देकर सर, हवाली कोलिता बैद्यो, जशोधरा बराजी, IQAC के सारी टीम, आप सबके प्रयास से पूर्वोत्तर को हिंदी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ये जो मुहिम चला, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में बधाई देना चाहूंगी। समय से पीछे हैं हम, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगी। क्योंकि इस वेब संगोष्ठी का लक्ष्य रहा है पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ना,
इसलिए मैं पूर्वोत्तर भारत की दो चार बातों को सबके सामने रखना चाहती हूँ। मिलन जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और वो एक साधिका है पूर्वोत्तर भारत के, जिन्होंने त्रिपुरा के विविध विषयों पर, खासकर लोक साहित्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जय कौशल जी है, पिछले कई सालों से पूर्वोत्तर पर उनका काम हो रहा है और ये आप सब भी इस वेब संगोष्ठी से जुड़े और आपने अपने बहुमूल्य भाषण से हम सबको धन्य किया, तो आप सबको भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो प्रतिभागी रहे, बहुत कल से मैं सुन रही हूँ, एक एक पत्र में सुन रही हूँ और ये सार्थक सत्र रहा है। मैं, मुझे 15 मिनट दिया गया है, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी, उससे कम समय में ही खुद को समेटने की कोशिश करूंगी। पूर्वोत्तर जो है, अब तो 8 राज्य इसमें आ गए हैं, पहले 7 आते थे। 7 क्या आते थे? बड़ा असम जिसको बोलते हैं ना, बड़ा असम, उसमें 5 राज्य आते थे मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के। अब पूर्वोत्तर कहने से ये 2 राज्य आ गए और बाद में अभी सिक्किम की भी यहाँ गिनती होने लगी। जो भी हो, अगर हम भारतीय मध्यकाल की बात करते हैं साहित्य की दृष्टि से, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास की जमाने की बात करते हैं, भारतीय भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, उस समय का जो असम हुआ करता था वो पूर्वोत्तर के वर्तमान त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रांत उसमें आ जाते थे। तो असम मतलब मान लीजिए लगभग पूर्वोत्तर। अब जिस असम की बात यहाँ भक्ति आंदोलन के संदर्भ में होगी, लगभग सारा का सारा पूर्वोत्तर को ही हम मान सकते हैं। ये सब जानते हैं आजकल, कम से कम शंकरदेव और माधवदेव को लोग अभी जानने लगे। शंकरदेव की इतनी रचनाएं हैं, समाज के प्रति उनकी जो देन है, संस्कृति के प्रति उनका जो योगदान रहा है, साहित्य के विविध विधाओं में जो उनकी देन रही है, वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय भक्ति काल के सर्वाधिक कृतियों के रचक शंकरदेव हैं। भारतीय भक्ति काल में जिन साधकों ने, संतों ने, कवियों ने, भक्तों ने उस काल को संवारा था, उन लोगों में सबसे अधिक देन शंकरदेव की रही है। और कीर्तन घोषा उनकी प्रमुख कृति रही है। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझने के लिए ये काफी होगा कि 1400 सदी में माधव कंदली ने अपना रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण का वो प्रांतीय भाषा में प्रथम अनुदित रूप था और ये रामायण 7 कांडों का था। लंका कांड में कंदली ने खुद कहा था, हाटकांड रामायण पदबंधे निबंधिलु लम्बा परिहरि सारज्जित महामानिकर बोले काव्यरस किसु दिलु दुग्धक मथिले जनक दित। हिंदी में इस तरह से इसका अनुवाद किया जा सकता है, सप्तकांड रामायण पदों में रचित किया, व्याप्ति छोड़ किया सारोद्धृत, महामाणिक्य के कथन से कुछ काव्य रस दिया, दूध मथने से जैसे घृत। लेकिन शंकरदेव जब आए, इस क्षेत्र में जब आए, 1449 में उनका जन्म हुआ, जब वे आए तो उन्होंने देखा कि यद्यपि माधव कंडली ने सप्तकांड रामायण लिखने की बात की है, लेकिन उस रामायण का आदिकांड या बालकांड और उत्तराकांड गायब है, दोनों नहीं। तो उन्होंने माधवदेव से कहा था कि
তেহে গুরুজনত বিপ্রিয় স্বপ্নতে শরণাপন্ন হয়ে পার্থিলে রবর হেতু। পাশে গুরুজনে বোলে, বরপু তোমার মিতার শাস্ত্র কবিতা গুছাব যে খুঁজে, আমি ধরো গুড়ত তুমি হওয়া আগে তেহে আদ্যে উত্তরা করেছে। শিষ্যনে বাদ মে লিখা ইয়ে কি সপনে মে শঙ্করদেব নে কুছ দেখা, ফির মাধবদেব সে কহা কি আমি ধরো গুড়ত উত্তরাখণ্ড মে পকড়তা হুম লিখতা হুম আর আদিকান্ড জো হ্যা আপ লিখিয়ে। উসকে বাদ মাধব দেব নে আদিকান্ড রামায়ণ লিখা আর উত্তরাখণ্ড রামায়ণ লিখা শঙ্কর দেব নে। ইস তরহ সে সামাজিক জিম্মেদারি কা নির্বহন করতে হুয়ে অসমিয়া সমাজ কো শঙ্কর দেব কে প্রয়াস আর মাধব দেব কে সহযোগ সে এক সম্পূর্ণ অসমিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ মিলা। ইয়ে যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হ্যাঁ असमिया का, इसकी जानकारी बहुत लोगों के पास या तो नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि रामायण पर काफी चर्चा होती है, काफी लेख लिखे जाते हैं, काफी संगोष्ठियां होती है, लेकिन इस रामायण पर अभी कुछ 10-20 सालों से इस पर लोगों की नजर गई है, लेकिन राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब रामायण की गिनती होती है ये रामायण छूट जाता है। तो मैंने प्रयास किया था कि इस रामायण को हिंदी में अनुवाद करूं, अनुवाद हो गया है, प्रकाशन का काम अभी बाकी है। अनुवाद करते समय काव्यानुवाद करने का प्रयास किया और अनुवाद करते समय इस रामायण की कुछ खासियत मेरे सामने आई जो आपके सामने में 2-4 बिंदुओं में रखना चाहूंगी। एक बात ये, वाल्मीकि रामायण में जो बातें कही गई है उन सारी की सारी बातों को माधव देव ने यहां नहीं लिया है। राम पर केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही उन्होंने यहां लिया है, कुछ अपने से जोड़ा है, कुछ उन्होंने मूल रामायण से छोड़ा भी है। अभी क्या जोड़ा क्या छोड़ा इतना तो नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन 2-1 बिंदुओं को मैं संकेतित करके जाना चाहती हूँ। और इस अनुदित इस रामायण में माधवदेव द्वारा जो आदिकांड रामायण का अनुवाद हुआ, इस रामायण में किस तरह से असम का समाज आया है, असमीकरण किन प्रसंगों में हुआ है, ये भी बहुत ही रोचक विषय है। असमिया समाज में लड़की का बहुत बड़ा महत्व है, ये सबको पता है। केवल असमिया समाज में नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत में नारी और स्त्री दोनों को बराबर का माना जाता है, एक भ्यूगीत है। आगबाड़ी हुनी काकुनी तामुले, पीसबाड़ी हुनी पान, बड़घड़ हुनी गाभोर स्वाली, उलिया दीपलोयता, मतलब तांबुल और पान से घर की बाड़ी सुंदर होती है, उसी तरह से लड़की से, जवान लड़की से घर सुंदर होता है, उसका ब्याह करना कराना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सीता का विवाह हो रहा है और उस समय इस तरह से एक पिता जनक किस तरह से अपने बेटी को उपदेश देते हैं, उसका एक उदाहरण रखना चाहूंगी। पिता जनक कह रहे हैं सीता से, ত্রিভুবনে নিরুপমা তুমি মহাহতী, পরম দুর্লভ আতি লোভিলা ভূপতি, সতী স্ত্রী সকলের স্বামীহে ভূষণ, কদাচিত নলঙ্গিবা রামর অবসান। অর্থাৎ ত্রিভুবন মে নিরুপম তুম মহাসতি, পরম দুর্লভ অতি পায়া হে সুপতি, সতী নারী কে স্বামী ভূষণ, উল্লঙ্ঘন না করনা কবি রাম কে বচন। ইস তরহ সে কই আর রোচক উদাহরণ হ্যাঁ। ফির ইয়ে জো প্রসঙ্গ सबको बहुत अच्छा लगता है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मेनका जो जनक की पटेश्वरी है, रानी है, सीता को विदाई जब कर रही है तो किस तरह से वो कहती है, किस तरह से रोती है, उसे सुन के किसी भी माँ का हृदय पीड़ित होता है। कोई भी माँ, किसी भी आंखों से पानी निकल सकता है, आंसू बह सकते हैं। পাশে আখি মেনকা জনক পটে সরি, করন্ত ক্রন্দন জানক কিরে গলে ধরি, কাক লাগি এত মানক পড়িও জিয়াই, ঘর হুয়নিয়া কৈক যাইবে হিতাই। আকর মেনকা জনক কি পতেশ্বরী, জানকি কে গলে লগ ক্রন্দন করতি,
किसके लिए बेटी इतना सारा किया, कहाँ जाती हो तुम मेरे घर की शोभा। फिर हिता हिता बुली नाम रही बहु कहार, तय गईले प्राण के ने रही आमार, आजि सर्वशून्य कर जाए मूर घर, आने हे आपुन भैल मई गलो पर मोर बुक शून्य करी कुने लय जाय, थाकिबि कहार गया घर कहुआई, कौशल्या विहिनी आशा कत तपसाय, आजि तान बुक जोड़ा बेको तक पाय। अर्थात सीता सीता कह नाम में लूंगी किसका, तुम्हारे जाने से जियो क्यों रहेगा मेरा, सब सुना कर जा रही हो मेरा घर, दूसरे अपने हुए में हो गई पर, कौन तुम्हें ले जाता कर दे सुना, रहोगी किसके घर कर दी शोभा, कौशल्या समधन ने तब है यूं किया, आज तुम्हें पाऊं का मन जुराएगा। इस तरह से विवाह के बाद दशरथ चार पुत्र और चार पुत्र वधुओं के साथ किस तरह से अयोध्या में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, उन सब संदर्भों में भी असमिया समाज की छवि आती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ जो है हमारे समाज में मित्रता की भावना बहुत अधिक होती है, गुरु शिष्य में भी मित्रता, फ्रेंड जैसे रहते हैं। एक उदाहरण देखिए, विश्वामित्र जो है वो सीता का वर्णन राम से किस प्रकार कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, आपने तो असुरों का वध किया, मेरे यज्ञों को संपूर्ण करने का आपने प्रबंध कर दिया और यज्ञ संपूर्ण हो गया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, जनक की राजा जनक की लड़की है, राजकन्या है, वो इतनी सुंदर है, उसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए। हृदय तो बढ़े स्तन बडोरी प्रमाण, दड़खने जुआतर हृदय प्रणाम পরাণ, স্তন মধ্যে উবা করে হাত হরিহার, কাঞ্চন রচিত মণি মালাম কুতার। মতলব শারীরিক সৌন্দর্য কা বর্ণন হে, আর সাথে সীতা কিস তরহ সে হাতড়ি, হাতড়ি কেনেকে পিনিছে, সাত সারি গহনা, সাত লড়িও কা যো হার হে, উস তরহ সে সীতা কিস তরহ সে সীতা পহনতি হে, কিস তরহ সে মণি আর মুক্তা কি ও মালা পহনতি হে, ইয়ে সব বাতে ভি বিশ্বামিত্র জো হে রাম কে সামনে রাখতে হে। ইস তরহ সে ढेर सारे रोचक बिंदु, ढेर सारी रोचक बात आदिकांड रामायण में मिलते हैं, जो मूल वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध नहीं है। और माधव देव की जहां मौलिकता है, वही असमिया समाज अनायास, असमिया समाज की संस्कृति, असमिया समाज में नारी, असमिया समाज की जो रीति रिवाज, फिर शादी ब्याह के जो नियम है, एक एक करके माधव देव ने आदिकांड रामायण में प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन एक प्रसंग यह जोड़ना शायद ठीक रहेगा, जिन्होंने यहाँ पत्र का वाचन किया, अगर उनसे संबंधित कई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए 2-3 मिनट दिए जा सकते हैं शायद। हेलो, जी मैम बिल्कुल, जिन्होंने पत्र पढ़े यहाँ, अगर किसी का कुछ जानकारी लेनी है, पूछना है, उनको ये मौका मिलना चाहिए, प्रतिभागियों को। मेरे ख्याल से पूछना है को किसी के मन में कुछ जिज्ञासा नहीं होगी शायद, क्योंकि घड़ी कुछ और कह रही है। मेरा भी प्रयास यही रहा कि थोड़ा जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए, तो आगे की कार्यवाही के लिए मैं संयोजक यशोधरा बरा को ये मंच सौंपती हूँ। यशोधरा जी, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपके असीम ज्ञान से, आपने जो हमें अभी जो भी कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुंचते हुए मैं डिमरिया महाविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक अध्यापक श्रीमती शेवाली कलिता तालुकदार जी से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद यशोधरा। आभार ज्ञापन एक मनोगत प्रक्रिया है, किंतु ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि
बाह्य अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे दिमोरिया महाविद्यालय की हिंदी विभाग के तरफ से मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सभी सहभागिताओं को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहती हूँ। इस क्रम में सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विमान कुमार भट्ट जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन की अनुमति प्रदान की तथा आद्योपांत कुशल निर्देशन से हमें अनुग्रहित की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरजी बरुआ महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहयोगी अध्यापक डॉक्टर मल्लिका कंदली जी को मैं हिंदी विभाग की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। आपने सुंदर नृत्य के मुद्रा से उद्घाटन भाषण प्रदान द्वारा इस संगोष्ठी पर चार चांद लगा दिया है। असम विश्वविद्यालय दिफू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं स्रोत विद्वान प्रोफेसर जय कौशल जी को हमारे विभाग की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के महत्वपूर्ण सहयोग के बिना हमारे यह अनुष्ठान को संपन्न करना संभव नहीं था। आपने कार्बी जनजाति के बारे में नवीन जानकारी दी है, जिससे हमारी संगोष्ठी के सहभागिताओं को बहुत लाभ हुआ होगा। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक अध्यापक तथा स्रोत विद्वान डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जी को हिंदी विभाग की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आपने अति सुंदरता से जमातिया समाज के लोकोक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस संगोष्ठी में उपस्थित रहकर अनुष्ठान को सफल्यमंडित करने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोगी अध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष स्रोत विद्वान डॉक्टर रीतावनी वैश्य जी को मैं धन्यवाद प्रदान करती हूँ। आपने असमिया रामायण के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या देकर हमें की है। संगोष्ठी में उपस्थित रहकर अनुष्ठान को सफल बनाने के कारण कृतज्ञ हूँ। हमारी प्राक्तन छात्रा करोबी फांगशो, जिन्होंने संगीत के एक सुंदर से माहौल प्रदान करके हमारे मन को आनंद प्रदान किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिमोरिया महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को विभाग की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। भूगोल विभाग के सहयोगी अध्यापक श्रीमान मानव ज्योति बरकाकोटी तथा अर्थनीति विज्ञान विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर विपुल कुमार दास के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना इस बौद्धिक अनुष्ठान का आयोजन असंभव था। यकीनन आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष श्रीमान मोहिनी मोहन देका जी को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस संगोष्ठी को आयोजन करने के लिए हर पल प्रोत्साहित करता रहा। धन्यवाद सर। सभी आलेख प्रस्तुतकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस दो दिवसीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मैं दिमोरिया महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर जसोधरा को शुक्रिया अदा करती हूँ। अंत में इस संगोष्ठी के साथ किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ और इतने में ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद यशोधरा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ दो दिन से जुड़े रहने के लिए। आप सभी का फिर से तहे दिल से हिंदी विभाग और आईक्यूएससी दिमरिया महाविद्यालय की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कला संस्कृति साहित्य और पूर्वोत्तर भारत की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। शुभ संध्या।